कल देर रात से शुरू हुआ नए साल का जश्न भारतीय बाजारों में आज दोपहर तक जारी है। जी हां, रिकॉर्ड हाईस के आसपास कारोबार करते हुए बाजारों ने यह हफ्ता लगातार 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन बाजारों ने बनाए नए रिकॉर्ड। तो बेहद दमदार क्लोजिंग 2020 की और उतनी ही दमदार शुरुआत 2021 की भी। और इसके पहले ट्रेडिंग सेशन के आखिरी 1.5 घंटे में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आपको सुबह भी बता रहे थे कि जो बाजार का मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। नई सीरीज की शुरुआत हुई है, नए साल की शुरुआत है, पर बाजार का मूड माहौल अभी भी काफी बेहतर है। तो बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए क्या है बड़े बातें? ऐतिहासिक स्तर छुए हैं दीप, आज फिर से बाजार ने 14,040 का नया लेवल बनाया है निफ्टी पर, और 47,963 अब ये इतिहास में दर्ज हो चुका है सेंसेक्स पे अब तक के हाईएस्ट लेवल के आसपास। निफ्टी बैंक बड़े टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आपको हम बात कर ही रहे थे, बिल्कुल वैसा ही कारोबार निफ्टी बैंक में होता हुआ दिख रहा है। और दिसंबर महीने में शानदार ऑटो बिक्री के आंकड़े रफ्तार बढ़ते हुए इस पूरे इंडेक्स में 1% की मजबूती। सरकारी बैंक आज सुबह से जो आइडेंटिफाई किए हैं बहुत जबरदस्त सेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और पीएसयू बैंकों का इंडेक्स 10 दिनों की ऊंचाइयों पर है। आईटी शेयर भी काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंफोसिस लाइफ हाई पर है और टीसीएस में 2% का बड़ा उछाल इस वक्त आपको आता हुआ नजर आएगा। यहीं से इंडेक्स निफ्टी को सहारा मिलता दिख रहा है लाइफ टाइम हाई की तरफ। जी दीप, बिल्कुल अनिल जी, और कुछ फार्मा शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी हो रही है, बट पीएसयू बैंक्स, और आपने सुबह बात भी करी थी पीएनबी की, वहां पर भी देखिए सेकंड बिगेस्ट गेनर इस समय वायदा कारोबार में 4.5% की तेजी के साथ। पीएनबी अन्य स्टॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे सर, पर कल अटेम्प्ट किया था, आज क्या लगता है कि 14,000 के ऊपर ही क्लोजिंग के लिए तैयार है? और आज तो सर डोमेस्टिक का ही सपोर्ट ज्यादा दिख रहा होगा, एफआईएस तो छुट्टी पर है। पता नहीं, डेटा देखने के पर पता चलेगा दीप। और आपको याद होगा हम यही बात कर रहे थे कि आखिरी हफ्ते में भी जो हमेशा हमें डर रहता है कि एफआईएस छुट्टी पर जाएंगे, खरीदारी होगी नहीं होगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा विपरीत रहा और टेक्नोलॉजी और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम रिमोट प्लेसेस से काम करने की जो आदत पड़ चुकी है वो छुट्टियों के वक्त भी एफआईएस की तरफ से दिख रही थी। और आपने देखा पिछले हफ्ते में पूरा, मतलब पिछले 4-5 दिनों में जो इस हफ्ते की छुट्टी वाले दिन जनरली माने जाते हैं, वहां पर भी एफआईएस ने दम लगाकर पैसा लगाया। तो जो स्क्रीन दिखा रही है दीप, वो तो कह रही कि पैसा आ रहा है, अभी भी आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही। आप देखिए, हर रोज आपको बाजार एक डिप देता है, आज तो कोई ऐसी खास डिप आई भी नहीं, सुस्ती ही रही। 14,000 के नीचे बाजार ने ज्यादा वक्त नहीं बिताया, आप कह भी सकते हैं कि ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन हाँ फिर भी आप ये देख सकते हैं कि दुनिया भर के बाजार जब बंद हैं तो भी हमारे बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दायरा सीमित है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है दीप। और मुझे लगता है आज के सेशन के भी जो आंकड़े आपके सामने आएंगे वो आंकड़े आपको मजबूती वाले ही नजर आएंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मोमेंटम वही जो 2020 में हमने देखा है, अंत में वही 2021 में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, धीमी पड़ती हुई स्पीड ग्लोबल मार्केट्स की छुट्टियों की वजह से, और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग और रोटेशन, ये है बाजार की थीम, जिसमें आज आईटी शेयर अपना योगदान दे रहे हैं दिग्गजों में। और भले इंडेक्स में वजन ना रखें, लेकिन मूड माहौल और खासतौर से रिटेल ट्रेडर्स का सेंटिमेंट सुधारने के लिहाज से सरकारी बैंकों की खरीदारी कारगर साबित होती दिख रही। तो सरकारी बैंकों का इंडेक्स बहुत ही बढ़िया मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सुबह जो आज के 2000 में हमने पीएनबी दिया वो भी 35 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, 35.50 रुपये का पहला टारगेट उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ था। दीप, पूरी तरह से मूड माहौल सेट है एकदम? बिल्कुल अनिल जी, मूड माहौल सेट है एकदम, और कई सारे स्टॉक्स बढ़िया मूव दे रहे हैं, डेज हाई के करीब काफी सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो आइए फिर एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए कौन से हैं ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर एक्शन भरपूर दिख रहा है, और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीपांश। 2021 की शुरुआत से ही वैक्सीन से जुड़ी खबरें अब आना शुरू हो चुकी हैं, और पॉजिटिव खबर सबसे पहले आज ही के ट्रिगर्स से लिख दीजिए। यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के वैक्सीन पर एक बैठक होने जा रही है जिस पर हमारी नजर होगी। इसके अलावा टीसीएस का 16,000 करोड़ का बायबैक आज क्लोजिंग से बंद हो जाएगा, दाम 3,000 रुपये प्रति शेयर यहां पर है। कल के ट्रिगर्स पिनानी इन्वेस्टमेंट बोनस की रिकॉर्ड डेट है, 5 शेयरों पर 2 शेयर का बोनस जारी किया जाएगा, और इसके अलावा पूरे देश में वैक्सीन लगाने का
ड्राई रन जो है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। दरअसल स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है और वैक्सीन से जुड़े कामकाज को आगे बढ़ाने को लेकर यहां पर कामकाज और ऐलान कुछ हद तक यहां पर ड्राई रन शुरू होते हुए दिखेंगे। सोमवार के दिन जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। कह सकते हैं कि 4 जनवरी तक इसे डिफर किया गया था और अब आगे हो सकता है कि इस पर सुनवाई हो सकती है 4 जनवरी के बाद, तो इस पर भी फोकस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं खबरों वाले स्टॉक्स। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, ऑटो नंबर्स आए हैं तो सबसे ज्यादा फोकस तो वहीं पे है और मारुति यहाँ पे कंपनी की कुल बिक्री जो है उसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें एक्सपोर्ट्स में करीब 31% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। M&M यहाँ पे कंपनी की जो कुल बिक्री है उसमें तो 10% की गिरावट है, लेकिन कंपनी की जो ट्रैक्टर बिक्री है उसमें करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा हाल ही में कंपनी ने जो थार लॉन्च की थी उसकी करीब दिसंबर में 6,500 यूनिट्स की बुकिंग हुई है। वहीं पवन गोयनका के तरफ से कुछ बयान भी आ रहे हैं सैंगयोंग को लेके कि इस कंपनी में निवेश की संभावित निवेशक जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि फरवरी 28 तक कुछ ना कुछ डील जो है वो निकल के सामने आ जाए। आयशा मोटर्स यहाँ कंपनी की जो कुल बिक्री है 4,892 यूनिट रही है, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा कुछ खबरें हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके और वो ये है कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। 10,680 करोड़ के PLI स्कीम पर कैबिनेट नोट जो है वो जारी हो चुका है और मौजूदा महीने में ही दरअसल PLI स्कीम पर कैबिनेट में चर्चा भी एक हो सकती है। इसके अलावा APL अपोलो यहाँ पे कंपनी की जो कुल बिक्री है उसमें 1% की बढ़ोतरी देखने मिली है Q3 में। अपोलो पाइप्स की कुल बिक्री जो है उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है। फाइजर खबरें यहाँ ये है, रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि WHO ने फाइजर बायोनटेक की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। NCC तगड़े ऑर्डर्स मिले इसको दिसंबर के महीने में, 8,980 करोड़ के 15 ऑर्डर्स मिले हैं। राज इंडस्ट्रीज IOC की तरफ से 230 करोड़ का ऑर्डर मिला है। गायत्री प्रोजेक्ट 1,323 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो काफ़ी सारे ऑर्डर विंस भी है। कंसाई नेरोलैक खबरें यह है कि कंपनी बांग्लादेश में अपनी सब्सिडरी जो है उसमें करीब 14 करोड़ 33 लाख जो है उसका निवेश करने वाली है। IOC ने ATF के जो दाम है उसको बढ़ा दिया है, तो ये भी एक खबर है। इसके अलावा कुछ बड़ी डील्स, एम्बेसी ऑफिस रीट्स में 23 लाख शेयर्स का सौदा हुआ, PNB में 58 लाख शेयर्स का सौदा हुआ और NHPC में 30 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है। ओके, तो ये है वो तमाम खबरें जहां पर आपको आज दिखाए एक्शन और साथ ही बड़ी डील्स भी। आइए बड़े ट्रेड्स करते हैं शुरुआत। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का किरण जी के नाम, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर टू आपको, दीप को और सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को, और ये साल बहुत अच्छा जाए। अभी जो बाय करना है इमीडिएट वो है चोला फिनेंस। चोला फिनेंस ने बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी 400 का बैरियर क्रॉस किया है, ऑप्शन बैरियर, जिसपे 4 लाख शेयर्स है और नेक्स्ट बैरियर सीधा 420 का के आसपास जाता है। तो मेरा मानना है कि 417 418 के टारगेट्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 400 का रखना चाहिए, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन है और पैटर्न में भी बेहतरीन है, तो चोला फाइनेंस बाय करके चलने की सलाह होगी। ओके, चोला मंडलम फाइनेंस कमाल करता हुआ दिखाया और आपको लगातार पिछले हफ्ते से हम यही बात कर रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हाई बीटा स्टॉक्स पर करना है फोकस और यहीं पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिखेगा, फिर चाहे वो NBFCs हों या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और वहीं पर आप सबसे ज्यादा मजबूती बनते हुए देख रहे हैं। आइए ऐसा ही एक और मजबूत स्टॉक बताने के लिए तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, बिगुल उनके लिए भी चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अरे जी, हमारा स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक बुलिश थर्स्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए चार्ट बहुत ही दमदार है, फोकस करना चाहिए बैंक्स पर और स्पेशली मिड कैप बैंक्स पर, जिनमें की ब्रेकआउट एक के बाद एक आता हुआ दिख रहा है।
फेडरल बैंक ने अभी अभी 68 रुपए के एक लेवल को पार किया है, जो कि इसके लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस था। पिछले कई दिनों से 68 रुपए का स्तर पार नहीं हो रहा था, तो 68 के ऊपर फेडरल बैंक में खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें 67.5 पर, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, 67.5 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 69.50 रुपए, दूसरा टारगेट 72 रुपए का, तो 72 के इवेंचुअल टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी की राय। बैंक में करें खरीदारी, ये रहा है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्टॉक फिर से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, एक्शन में न सिर्फ स्टॉक्स आ रहे हैं बल्कि हमारे एक्सपर्ट्स भी, किरण जी और राकेश जी, कुणाल जी के बाद सिमी जी तैयार है अपने बिगुल के साथ, तो सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। अनिल जी, मेरा स्टॉक होगा सीमेंस, जिसमें मुझे लगता है कि 1600 के ऊपर आज मेंटेन कर रहा है अभी, और मुझे लगता है कि इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले, मिल ऑलरेडी गया है 1600 के ऊपर, और यहां से ये नया मोमेंटम दिखा सकता है। पहला टारगेट 1640 होगा, दूसरा होगा 1655, स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 1587 के नीचे, तो सीमेंस को करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा मेरे तरफ से। ओके, सीमेंस में करंट लेवल पर खरीदारी करके चले, ये है राय आपके लिए सिमी जी की तरफ से। तो ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में भरपूर आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन में नजर आ रहे हैं और जहां पर भरपूर तेजी होती दिख रही है उन्हीं पर एक बार राय ले ली जाए। भेल आज 5% मजबूत है। भेल हमने दो दिन पहले यहाँ पर खरीदारी करने की राय भी दी थी आपको और कहा था कि ये है स्टॉक जहाँ पर आपके लिए एक्शन भरपूर होता हुआ दिखेगा। 35.50 पर खरीदारी करने की राय दी थी, 38 रुपए का पहला टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिखा है 38.25, लेकिन मैं फिर कहूँगा 40 और 42 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। भेल में किस तरह के लेवल्स, किस तरह के एक्शन आते हुए दिख रहे हैं, विश्वेश जी हमारे साथ हैं। विश्वेश जी, जरा भेल के लेवल्स बताएं और क्या टारगेट रखे जाए और अब रिवाइज स्टॉप लॉस क्या होगा भेल के लिए बताएं। गुड आफ्टरनून सर जी, हैप्पी न्यू ईयर आपको और हमारी पूरी जी बिजनेस की टीम को। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि BHEL में जिस हिसाब से 35 के ऊपर में मुंह आया है, अगला जो लेवल है वो सीधा 40 रुपीज़ है, जहाँ पे 1.5 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन आई थिंक मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है 45 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं BHEL में। सो फिलहाल करंट लेवल पे मेरे हिसाब से अगर खरीदारी करनी तो भी इनिशिएट कर सकते हैं। 36 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से फ्रेश एंट्री करनी चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी तेज 40 और 45 के स्तर देखने मिल सकते हैं ये सीरीज में, तो डेफिनेटली बुलिश आउटलुक ऑन BHEL। ओके, भेल पर आउटलुक है बुलिश और यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। LIC हाउसिंग एक और स्टॉक है जो पीछे से निकलकर एकदम तेजी से भागने के मूड में आता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, इसके चार्ट पर दीजिए अपनी राय। गुड आफ्टरनून अनिल जी, सुबह देखिए हमने चोला फाइनेंस बाय पे दिया था, उसका टारगेट हिट हो रहा है और अब यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। पिछले चार दिनों के हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है, 375 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 400 रुपीज तक के लेवल जल्दी LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी बाय करके रखा हुआ है वो लोग पोजिशन होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 365 का है और 365 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है 390 से 400 के टारगेट से। बिल्कुल, NBFCs पर एक्शन इस समय भरपूर बनते हुए दिख रहा है और काफी तेजी से ये स्टॉक्स अब पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इस बीच अशोक लेलैंड, इनके ऑटो सेल्स के आंकड़े आए हैं, एक बार नजर डाल दीजिए। लगभग 11,850 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं इस महीने में, ये आपके लिए नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। अशोक लेलैंड की तरफ से कुल बिक्री जो इनकी है वो वहां पर रही है। हमारा अनुमान अशोक लेलैंड के लिए था 11,500, तो अनुमान से थोड़ा बेहतर, ऑलमोस्ट कह सकते हैं अनुमान मुताबिक ही आए, 14% की बढ़त आई है जहां तक नंबर्स का सवाल है। तो इम्प्रेसिव शो है, अनुमान मुताबिक ही अशोक लेलैंड के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं इस समय। जो कुल बिक्री के आंकड़े हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो CV सेल्स हैं वहां पर भी नजर रखेंगे, जो घरेलू मार्केट्स का एक्शन रहा है वहां पर नजर रखेंगे, पर एक बार चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक बढ़िया तेजी में आते हुए दिख रहा है। किरण जी, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड, अब तो 100 के करीब भी पहुंचता हुआ दिख रहा है, डेज हाई पर है। बिल्कुल, एक अच्छे रेंज से निकल रहा है, पिछले 5 दिन का जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज था उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। एक ही छोटी सी दिक्कत है 100 रुपए की, जो साइकोलॉजिकल टेक्निकल
और डेरिवेटिव, ये तीनों का बहुत बड़ा बैरियर है। मेरा कन्विक्शन 100 रुपए के ऊपर अगर क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो ज्यादा रहेगा, पर अंडर करंट है तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 95-50 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और जैसे 100 रुपए का लेवल क्रॉस होता है तो मैं और ऐड करने की सलाह दूंगा, और टारगेट्स फिर 100, 109, 112 ऐसे टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड, स्पाइक आते हुए दिख रहा है नंबर्स के बेसिस पर, एक्सपोर्ट्स 900 यूनिट्स के हुए हैं इनके, और जो ओवरऑल आंकड़ा आया है 11,850 के करीब का, वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आते हुए दिखा है। पर चलिए, एक इंटरेस्टिंग हमारी टीम ने लिंक आपके लिए बनाया है, आने वाले साल में कौन सी हैं बड़ी बातें, कौन से हैं ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर नजर रखनी है। वैसे तो हम आपको आने वाले दिनों के ट्रिगर्स के बारे में भी बताते हैं, महीने में क्या हो रहा है ये भी बताते हैं, पर इस साल के लिए कौन सी हैं बड़ी बातें, कौन से हैं बड़े ट्रिगर्स, कौन से हैं बड़े इवेंट्स, वहां पर जो नजर रखनी है उसके बारे में बताने के लिए वरुण हमारे साथ तैयार है। बताए वरुण, कौन से हैं ये इवेंट्स? देखिए, इवेंट्स तो काफी सारे और लिस्ट काफी लंबी हो सकती थी, लेकिन हमने टॉप 10 इवेंट्स निकाले हैं जो जिस पे आपको नजर रखनी है और जिसके चलते मार्केट्स हो या फिर इकोनॉमी हो उसमें काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। सबसे पहले मार्केट्स की बात करते हैं तो 11 जनवरी को NSE जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें FNO लॉन्च करने वाला है, और ये पहले बार होगा कि वीकली फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलेंगे। अब तक ऐसा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, तो अब यहाँ फ्यूचर्स के भी मिलेंगे, तो FNO आपको मिलने वाला है निफ्टी NSE के फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी जो है उसकी नई दरें लागू हो जाएंगी, तो इसके चलते जो पूरा रियल एस्टेट स्पेस है वो आपके रडार पे होना चाहिए। 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये लागू रहेंगे, और इसके चलते जो ड्यूटी है उसको काटा गया था, ये 3% के आसपास रह गई थी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं। एक तो आपको याद होगा जो मल्टी कैप फंड के लिए पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए जो नियम में बदलाव किया गया था वो अब लागू हो जाएंगे, तो उसके चलते आपको 75% जो इक्विटी में रखना पड़ेगा, जिसमें से 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप में रखना था, तो ये बड़े नियम जो जिसने मार्केट को हिला भी दिया था वो अब लागू हो जाएंगे। और 1 जनवरी से यानी कि आज से दरअसल जो NAV का कैलकुलेशन था यानी कि NAV का कैलकुलेशन जो था वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए बदलने वाला है। इसके अलावा 5 जनवरी को MFI की जो है वहाँ कहीं ना कहीं यहाँ जो सूची है वो भी देने वाले हैं, ये 4 से 5 लार्ज कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स है उनकी कैटेगरी में बदलाव होने वाला है। बेसिकली MFI की जो रीबैलेंसिंग है या फिर रीक्लासिफिकेशन कहूँ मैं वो होने वाला है। इसके चलते येस बैंक जैसे काउंटर्स है जो कि शायद इनकी कैटेगरी में बदलाव हो सकता है, MRF, NMDC, तो ये वो स्टॉक्स है जो आपके रडार पे होने चाहिए। तो ये तो मार्केट की बात हो गई, अब आते हैं ग्लोबल। तो ग्लोबली एक बड़ा इवेंट होने वाला है और वो फिर से चाइना की तरफ से है, लेकिन इस बार चाइना अपना जो फायर प्लान है वो रिवील करने वाला है, और जो उन्होंने तवज्जो दी थी इस बार के फायर प्लान में वो टेक्नोलॉजी को लेके थी, तो इसके चलते इस पूरे साल टेक्नोलॉजी शेयर्स जो है वो काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं। फाइनली ओलंपिक्स होगा, और इस बार टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है जो 2020 में होने वाला था अब वो 2021 में होगा। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे जो खर्चा है वो करीब करीब $2.8 बिलियन के आसपास बढ़ चुका है। ब्रेग्जिट आज से हो गया है, तो UK और यूरोप फाइनली अलग हो गए हैं, ये भी एक ग्लोबल इवेंट है। और बिडेन साहब अब जो जो बाइडेन जो है वो अब US की कमान संभालेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 तारीख को वो स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है 20 जनवरी को। कुछ बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स, तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में एक बड़ा इवेंट जो इस बार होने वाला है जिसके चलते पूरा ऑटो सेक्टर जो फोकस में रहेगा वो है टेस्ला की एंट्री। नितिन गडकरी जी भी बोल चुके हैं कि इस साल टेस्ला जो है भारत में आने वाला है, स्टार्टिंग में व्हीकल सेल्स करेगा, और अगर डिमांड अच्छी रही तो हो सकता है कि वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करे। तो इसके चलते जितने EV प्लेयर्स है या फिर जितने ऑटो कंपनीज है आपके फोकस में रहने चाहिए। पॉलिटिकल इवेंट भी है, स्टेट असेंबली इलेक्शन से 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट में वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं, और साथ साथ पुडुचेरी में भी इलेक्शन होने हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। और एक इवेंट है और वो ये है कि फास्टैग आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं पहले वो 1 तारीख को होने वाला था अब टल गया है, माना जा रहा है कि अब 15 फरवरी को होगा, लेकिन होगा ये ज़रूरी है, तो इसके लिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो फास्टैग अपने गाड़ी पर लगा ले, ये याद रखें। तो ये 10 इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन दीप कुछ ऐसे इवेंट्स भी है जो हो सकते हैं और अगर हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय से टल भी रहे हैं। उसमें से एक तो है 5G ऑक्शन, होगा नहीं होगा पता नहीं। ओके वरुण, वरुण उससे पहले, हाँ वरुण उससे पहले एक सवाल आ गया मेरा, बोलिए। जो आप बता रहे हैं फास्टैग जो कंपलसरी हो जाएगा 15 फरवरी से,
सपोज आप एग्जांपल में दिमाग में सवाल है कि हमारे प्रिय ये सुमित जी गाड़ी लेकर निकले ठीक है हाँ। और इन्होंने फास्टैग लगवाया नहीं और सीलिंग पर जाकर वहीं पर अटक गए अच्छा। तो क्या इनकी गाड़ी खड़ी रहेगी, आगे पीछे वाले सब लोग जाम हो जाएंगे, क्या होगा? देखिए अनिल जी, अभी तक तो ऐसा होता है कि अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया और आप फास्टैग की लाइन में घुस जाए तो आपसे डबल पैसा लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से डबल पैसा लेके छोड़ देंगे, गाड़ी खड़ी तो रखेंगे नहीं। अच्छा लगता है आप भर चुके हो? मैं बहुत बार भर चुका हूँ। ओके, फास्टैग लगाने के बावजूद भर चुका हूँ मैं तो, कभी कभी फास्टैग काम नहीं करता इसके लिए। अरे अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं भी भर चुका हूँ ऐसा, क्योंकि है ना वो दूर से पता नहीं चलता कौन सी लेन फास्टैग वाली है कौन सी नहीं है, सब एक जैसी दिखती है। जब आप घुस जाते तो पता चलता है अरे ये तो दूसरी निकली। ये तो मैं भी भर चुका हूँ, और रिवर्स लेने वाला सिस्टम तो है ही नहीं। आप ये तो मतलब ऐसा है ना चक्रव्यूह, आप घुस गए बाहर तो निकल नहीं सकते। तो सुमित जी आप लाइन ना लगवाएं, ध्यान रखें फास्टैग वाली, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा टाइम और मिल चुका है आपको। अच्छा बताइए, दूसरी इवेंट्स कौन सी है वरुण जो आप बताने वाले? देखिए चार इवेंट्स ऐसी भी थी जो कि होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन अगर होगा तो इनका इंपैक्ट जरूर होगा। एक तो 5G का ऑक्शन है, लंबे समय से बोला जा रहा था कि होगा ऑक्शन होगा, इस बार माना जा रहा है 2021 में होगा। अगर होगा तो टेलीकॉम कंपनीज के लिए बड़ी बात हो जाएगी। एक और इवेंट है और वो है कि जेट एयरवेज अपना कामकाज शुरू करेगा कि नहीं, क्योंकि जो नए प्रमोटर्स हैं उन्होंने तो कहा है कि 2021 में हम फ्लाइट उड़ाना चालू करेंगे। 2019 से फ्लाइट ग्राउंडेड है, देखते हैं कि जेट एयरवेज की फाइनली फ्लाइट शुरू होती कि नहीं। स्टॉक तो शुरू हो गया उड़ना। फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। अभी यहाँ लगातार फेसबुक की तरफ से बयान आया है कि 2021 में हम हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है और जो नया वॉलेट है उसको शुरू करने वाले हैं। अगर ये होता है ना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च, तो इसके चलते जो ग्लोबली जैसे बिटकॉइंस है या फिर बाकी करेंसीज जो है ना लीगल करेंसीज, उस पर भी इम्पैक्ट होगा। और सबसे आखिरी में, अगर आपके पास कार है तो और एक दिक्कत है आपके पास। 1 अप्रैल से अगर आपके पास कार है तो आपके बाजू में जो बैठता है उसके पास भी एयरबैग होना चाहिए। जो नई गाड़ी है उसमें और एग्जिस्टिंग गाड़ी के लिए 1 जून की डेडलाइन दी है, तो खर्चे गाड़ियों के लिए वैसे भी बढ़ेंगे। तो ठीक है, पुरानी गाड़ी में एयरबैग कैसे घुसाएंगे वो समझ में नहीं आया, वो बड़ा मामला पेचीदा हो जाएगा। तो अब ये तो जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका तो मार्केट ही खत्म हो जाएगा अगर उसमें फ्रंट सीट पर साइड में एयरबैग नहीं है। ये तो बड़ी अजीब अजीब सी खबरें लेकर आ रहे हैं वरुण, लेकिन चलिए पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, ये बात पक्की है। अच्छा सिमी जी कुछ कहना चाहती है? सिमी जी आपकी तरफ से कोई कॉल या कमेंट? कमेंट तो नहीं है, कॉल ही है, BTST का कॉल है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक चलेगा। जस्ट डायल में एक ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि ये चलेगा। पहला टारगेट होगा 675 और दूसरा होगा 690, 655 के आसपास है अनिल जी, और आज का स्टॉप लॉस 635 के नीचे होगा। यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा 675 और 690, ये दो टारगेट्स के लिए जस्ट डायल को खरीदना। जस्ट डायल में खरीदारी करने की राय 660 के आसपास स्टॉक कर रहा है ट्रेड। यहाँ पर सिमी जी की तरफ से खरीदारी करने की राय 635 का स्टॉप लॉस लगाएं, 635 का, 675 690 का टारगेट। आइए अगला बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, मुझे लग रहा है कि 2021 का पहला ट्रेड है तो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो स्टॉक पिकअप किया है वो मुझे लग रहा है बहुत तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। ऑटो की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, और मुझे जिस हिसाब से अशोक लीलैंड के सिग्नेचर लग रहे हैं, जिस हिसाब से लास्ट 4-5 दिन की रेंज ब्रेक कर रहा है, चाहिए और स्टॉक ऊपर में 103 और 110 के लेवल को छू सकता है। सो करंट लेवल में बाय करने की सलाह होगी, स्टॉप लॉस 96 के आसपास रखें। 103 और 110 ये दो बड़े टारगेट के लिए अशोक लेलैंड खरीदने की सलाह होगी। ओके, 103 110 ये दो टारगेट है, इनके लिए करें आप अशोक लेलैंड में खरीदारी, ये राय है इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। अगला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, चोला फाइनेंस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सुमित ने भी थोड़ा सा उसका उसको एक पुश दे दिया।
अभी जो बाय करके चलना चाहिए सेकंड ब्रेकआउट वो है सन फार्मा। सन फार्मा में भी एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक छोटी सी बाधा है 600 की, पर मुझे लगता है जो मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है 600 निकल जाएगा। एक बार 600 निकल जाएगा तो मेरा मानना है कि 608 और फिर दूसरा टारगेट 614, ये दो टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, वो रहेगा 594 का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ये भी बेहतरीन बैठ रहा है, तो ये भी बाय करके चलने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई। चलिए अगला बिगुल सुमित जी के लिए, क्या बात है, बैक टू बैक सारे एक्सपर्ट बड़े फॉर्म में, सुमित जी का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, टाटा के स्टॉक्स पे थोड़ा सा मोमेंटम अभी बाय साइड का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है टाटा पावर। और अनिल जी, ये स्टॉक हम बहुत लोअर लेवल से नीचे के लेवल से बाइंग दे रहे हैं और मेरे को लगता है आपने भी स्टॉक में हर बार बाय का व्यू दिया हुआ है। अब ये स्टॉक वापस से यहाँ से तेजी करने को तैयार है, 76.90 का अभी स्पॉट लेवल चल रहा है टाटा पावर का। टाटा पावर में यहाँ से मोमेंटम बढ़ना चाहिए, जिसमें 80 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 85 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है 75 रुपए का, यानी 2 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 3 से 8 रुपए तक के टारगेट। बाय टाटा पावर एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 80 रुपया और 85 रुपया अगले हफ्ते में ये देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए टाटा पावर का 77 वाला कॉल 4.30 रुपए 4.40 रुपए पे अभी अवेलेबल है, इसको अभी सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 3.50 रुपए के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेगा टाटा पावर के 77 के कॉल का 5.5 रुपए से लेके 7 रुपए तक के। तो टाटा पावर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, स्टॉक में एक अच्छा पावरफुल मूव देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यू होना चाहिए। 80 से 85 स्पॉट के टारगेट, 77 के कॉल में 5.5 से 7 के टारगेट होंगे, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो टाटा पावर पर नजर रखिए, टाटा पावर एक्शन में आ रहा है, बाजार एक्शन में आ रहे हैं 14048, ये है नए रिकॉर्ड स्तर जहां पर आपको फिलहाल निफ्टी दिख रहा है, डेज हाई पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है और बैंक्स में भी थोड़ा थोड़ा एक्शन बन रहा है। आज एनबीएफसीज में थोड़ा एक्शन ज्यादा है, बैंक्स में उतना कम है, इसलिए आप बैंक निफ्टी पर उतना मूव नहीं देख रहे हैं, बट डेफिनेटली निफ्टी पर एक्शन भरपूर है और एक एक करके बढ़िया ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ब्रॉडर मार्केट्स दोनों जगहों पर एक्शन भरपूर है इस समय। कुछ कैश स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको एक जबरदस्त उछाल आते हुए दिख रहा है। और कुणाल जी, जरा इंडिया मार्ट के चार्ट देखिए, थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक आया था, 15% उछला था स्टॉक, वहां से 5% करेक्ट भी हो गया, पर अभी भी 10-11% ऊपर दिख रहा है। इंडिया मार्ट में क्या चल रहा है सर? देखिए, गजब की तेजी चल रही है दीपांशु और काफी अरसे से चल रही है। कई बार मैंने और राकेश जी ने चर्चा भी स्टॉक की है, तो बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर है और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे और जबरदस्त तेजी बन रही है। और जब से अनिल जी ने इनके प्रमोटर के साथ साक्षात्कार किया है तब से इसमें और चार चांद लग गए हैं। तो बिल्कुल दीपांशु, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिनके पास भी पोजीशन है, ये स्टॉक आपको 5 डिजिट्स में भी ट्रेड कर सकता है, ऐसी संभावना चार्ट पर लगती है। तो कोई जल्दबाजी न करें एग्जिट करने की, होल्ड करने की हमारी राय है। और एक दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास स्पेशल कॉल है, तो बिगुल बजवा दे प्लीज। ओके, तो एक बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए उनके स्पेशल कॉल का। बताएं सर। दीपांशु, 584 रुपए का भाव है, खरीदारी की राय है कमिंस पे। कमिंस का चार्ट अगर आप देखें तो दीपांशु, 4-5 दिन का यहां पर एक शैलो करेक्शन हुआ जो कि आज के ट्रेड में खत्म होता हुआ लग रहा है। जिस तरह की तेजी ऑटो काउंटर्स में बनी है, कमिंस आउट परफॉर्म कर रहा है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। ये स्टॉक तेज गति से चलता है, मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। ओवर टू राकेश। दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने करेक्शन ली थी और अब ये स्टॉक 634 से लेकर 650 के जोन की तरफ जा रहा है, तो कमिंस को खरीदें। 567 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 634 से लेकर 650 के टारगेट जोन के लिए इसको खरीदने की राय है।
ओके, तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय आ रही है कमिंस पर। इस स्टॉक पर आपको रखनी है नजर जिस तरह से एक्शन बन रहा है, पर एक्शन भरपूर है बाजार में, रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सेंसेक्स भी अब 48,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, बस कुछ ही पॉइंट्स दूर है 48,000 का लेवल तोड़ने के लिए। 47,978 का नया रिकॉर्ड स्तर सेंसेक्स ने छुआ है, तो देखते हैं कि आज 48,000 सेंसेक्स पर आता है कि नहीं। बट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं, वो मोमेंटम कायम है और एक रिकॉर्ड ईयर रहा है जहां तक साल 2020 का सवाल है। ढेर सारे एक्शन हुए, ढेर सारी एक्टिविटी हुई, हमने आपका हर स्टेप पर सहारा दिया और मार्केट के एक्शन समझाने की कोशिश करी। एक बार एक झलक देख लेते हैं जी बिजनेस की तरफ से 2020 के चैंपियंस कौन थे। कोरोना संकट में ट्रेडर्स को बचाया, 4 दिनों के डाउ के मुंह ने मुझे पूरा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे दिया कि बेटा लगा ले 25 साल की इज्जत दाव पे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये साफ डिसकंफर्ट दे रहा है कि बड़ा गिरने को तैयार है बिल्कुल, और तब आप ऐसा बोल्ड कॉल ले पाते कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना। प्लीज प्लीज कुछ मत लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ मत लीजिए। ऐसा ना हो कि लोगों को खून के आंसू पीने पड़े, शब्दों पे गौर करिए, खून के आंसू। शॉर्ट ब्लास्ट SIP, नया आइडिया, तगड़ी रिसर्च, अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट ब्लास्ट SIP। 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। 7,500 के बॉटम पर इन्वेस्टर्स को कराई एंट्री। आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। 3 लेवल आपको दिए, इस हर एक लेवल पर निफ्टी जब आए आपको अपना 20-20% पैसा लगा देना चाहिए। इतिहास में पहली बार हमने बनाया बॉटम का फॉर्मूला। अगर आप कहीं भी गूगल करके कितनी भी बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि बॉटम कैसे बनता है। उस फॉर्मूला के हिसाब से 7,610 पर जो बाजार बंद हुआ है 24 मार्च को, वो बाजार का बॉटम बन चुका है। पैसा सिर्फ बचाया नहीं, किया मालामाल। मालामाल वीकली वाकई में मालामाल कर रही है। LG वाला कल 20% सर्किट लगने के बाद आज फिर से 16% ऊपर है। डिविडेंड, बायबैक, डीलिस्टिंग की एक्सक्लूसिव रिसर्च। देखिए हमारा कैलकुलेशन तो कहता है कि जो बायबैक है वो 2,900 से 3,000 रुपए प्रति शेयर के बीच में आ सकता है। इसने न सिर्फ दमदार नतीजे दिए बल्कि बायबैक भी उम्मीद के मुताबिक, कल शायद हम अकेले थे जो ये कह रहे थे कि बायबैक 3,000 रुपए के आसपास आ सकता है और एग्जैक्टली 3,000 के आसपास आया। बायबैक ओवरऑल 13,500 से 14,500 करोड़ का होना चाहिए और जो फाइनल प्राइस निकल कर आ सकती है वो ऑलमोस्ट 390 से 400 रुपए के प्रति शेयर के भाव पर आ सकती है। हमारी रिसर्च टीम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आप देखिए विप्रो में भी हमने कहा था कि 400 रुपए के आसपास का बायबैक आना चाहिए, एग्जैक्टली 400 रुपए की प्राइस आई। तो 4% का बायबैक, 150 से 200 करोड़ का खर्चा और 225 से 240 रुपए का भाव है जिस रेट पे बायबैक आने। और आपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोजिशनल तौर पर हो सकता है। NIT लिमिटेड एक बार फिर से बिजनेस की जो रिसर्च है वो सटीक निकली है और आप देखिए हमने 225 से 240 की रेंज दी थी NIT लिमिटेड के बायबैक की, एग्जैक्टली बायबैक 240 पर आया। पहली बार शेयर बाजार पर दर फिर रिजल्ट्स आए चैनल के लिए भी एंड ऑफकोर्स जिस तरह से लोगों को भी हमारी प्रोग्रामिंग पसंद आई है। एक चीज़ जो लोगों को बहुत पसंद है आपकी तरफ से वो है आपकी रिकमेंडेशन सर, और एक बढ़िया रिकमेंडेशन तैयार है तो बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। बताएं सर। बिल्कुल दीप, और टचवुड ये हफ्ता काफ़ी बेहतरीन रहा है अब तक रिकमेंडेशंस के लिहाज से, लगभग सारी रिकमेंडेशंस में टारगेट हासिल होते हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि एक बार अपडेट भी कर दूं। सोमवार को हमने फेडरल बैंक खरीदने की राय दी थी, पहला टारगेट 68-68 रुपये का था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 69 और 70 दो और टारगेट हैं ऊपर के जिसके लिए आप होल्ड करिए, क्योंकि अब तो इसका मैं बैटन पास कर चुका हूँ। कुणाल जी और राकेश जी ने आज एक रिकमेंडेशन दे दी तो मेरा 70 रुपये तक का टारगेट जो है उसके लिए फेडरल बैंक जरूर होल्ड करें। इंडिया बुल्स हमने 215 में रिकमेंड किया था, 222 वाला टारगेट आया, 230-235 के टारगेट के लिए अब भी होल्ड करें। NCCB 60.5 रुपये का टारगेट अपना हासिल कर चुका है, 62 के नज़दीक पहुंच चुका है, यहां पर भी आप चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिवीज 3790-95 में मंगलवार को रिकमेंड किया था, वो आपके लिए टारगेट हासिल कर चुका है। 3850 का टारगेट था डिवीज का, वो टारगेट हासिल हुआ आपका आज मेरे ख्याल से कल ही हो गया था और आज भी 3880 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला टारगेट 3900 का है डिवीज का और बाद में 4200 तक के टारगेट इवेंचुअली आपको, तो डिवीज अब भी होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं बेचना चाहिए, उसे आप होल्ड करें। भेल आपको 3550 में कहा था, 38 का पहला टारगेट भेल में भी आ चुका है, 40 और 42 के टारगेट के लिए भेल को भी होल्ड कर सकते हैं।
एक्साइड एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय दी थी और वो अभी तक टारगेट हासिल नहीं किया है 193.64 रुपये, तो ये अभी होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, 195 और 199 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आइडिया आपको साल की पिक के तौर पर दिया था, ऑलरेडी 5-6% वहाँ से ऊपर है ही, कोई दिक्कत नहीं है ये सारे स्टॉक से। अब मैं आज की एक नई पिक आपको दे दूँ जहाँ पर खरीदारी करने की राय, और आज सुबह से हम सरकारी बैंकों पर बुलिश है और उनमें से एक बेहतरीन सरकारी बैंक केनरा बैंक 133.50 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 133.50-133.75 के आसपास इस वक्त है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है केनरा बैंक में, और हमें लगता है ये बैंक भी कमाल करने के लिए तैयार है। आज सुबह ही हमने सबसे पहले सरकारी बैंकों की थीम को पकड़ा है और मुझे लगता है दीप ये सीरीज जनवरी की सीरीज सरकारी बैंकों के नाम हो सकती है, और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें लगातार पिछले हफ्ते सारे ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाकर, पिछले महीने माफ कीजिएगा, पिछली सीरीज में पोजीशंस बनाकर रखी और ये लगभग पूरे समय बैन में रहा, और आज बैन से बाहर निकलते ही फिर से केनरा बैंक में ओपन इंटरेस्ट 14% बढ़कर आया है। मैं सारे स्टॉक्स जो आपको दे रहा हूँ आजकल आज के 2000 या कल के 2000 में, आप जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो आप इसे होल्ड करके रखें, पोजिशनल के तौर पर रखें, अगले 2-3 दिन में कभी भी आपके दोनों तीनों टारगेट्स ऊपर की तरफ हासिल करेंगे। आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, अनलेस की बाजार का मूल माहौल तेजी से बिगड़ जाए तो आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है वो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, या तो जो दिया है वो स्टॉप लॉस लगा लें या अपना स्टॉप लॉस अपनी रिस्क के हिसाब से ट्रेल करते चले, लेकिन जब तक टारगेट ना आए प्रॉफिट बुक ना करें, आराम से इंतजार करें। सारे स्टॉक्स के लगभग टारगेट 1 या 2 दिनों में आते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और होल्ड करें, यही राय आपकी केनरा बैंक में भी होगी। 133 से 134 की रेंज में खरीदिए, 128 का अभी स्टॉप लॉस रखना है आपको, ऊपर के टारगेट 137, 140, 144, इन तीन टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। 137, 140, 144 ये तीन टारगेट आपको केनरा बैंक के लिए रखना है, और मुझे लगता है केनरा बैंक अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में अगले हफ्ते में बड़ा कमाल दिखा सकता है। एक बार 135 को पार करे तो आप अपना स्टॉप लॉस खींच कर 132 पर ऊपर ले आए ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए 135 को पार करने के बाद, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 135 पर प्रॉफिट बुक करें, प्रॉफिट बुक करने का पहला लेवल 137 का है, 140 और 144 बाकी लेवल्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की राय ये है केनरा बैंक। और केनरा बैंक पर ही एक बार जल्दी से मैं सोचा विश्वेश जी से भी राय ली जाए, विश्वेश जी जरा केनरा बैंक के चार्ट देखिए और बताइए क्या ये सरकारी बैंक कमाल कर सकता है। देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 के कॉल ऑप्शन में 10 लाख शेयर थे वन वाउंड होना शुरू हुआ है, अभी जो नेक्स्ट हर्डल है वो 140 के कॉल ऑप्शन में जहां 11 लाख शेयर है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनिल जी, अगर ये 140 के आसपास निकल जाता है तो अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो मेरे हिसाब से 200 वीकली एवरेज है, तो 200 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 140 के ऊपर मुझे लगता है बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट होगा। उस सूरत में शायद इसका जो QIP रिलेटेड इन्फो था मुझे लगता है वो बहुत बड़ा प्लेयर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से 140 के ऊपर 175 दिख रहा है अनिल जी, तो बेहतरीन पिक है आपकी ओर से, मेरे हिसाब से एनी डिप टुवर्ड्स 130 इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये है राय केनरा बैंक में आपके लिए आती हुई, खरीदारी करके चले 140 के ऊपर और मजबूत हो जाएगा। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। साहब आपका बताएं सर, आज की आपकी पिक दो तो होंगी कम से कम, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, पहले तो नए साल की आपको, दीपांशु को, सभी पैनलिस्ट को और सबसे खास जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस 2021। जहां तक आज की पिक्स का सवाल है अनिल जी, दो पिक्स है, दोनों कैश मार्केट की है, और चूंकि आज मैं शो पे लाइव हूं तो ड्यूरिंग द शो 3:30 बजे तक हूँ, अगर FNO का कोई स्टॉक आएगा रडार पे तो वो रिकमेंड करूंगा। तो अभी तो दो पिक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बताएं सर, पहली पिक बताएं सर आपकी, और उसके बाद दूसरी पिक के पहले मैं थोड़ा आपको आराम दूंगा, विश्राम दूंगा, और उस बीच में मैं विश्वेश जी के पास जाऊंगा और विश्वेश जी की बढ़िया पिक भी आएगी, तब तक आपकी पहली पिक से करिए शुरुआत सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पहली पिक है एक एग्री थीम पे फोकस्ड स्टॉक है। आज सुबह हमने देखा एस्कॉर्ट्स के नंबर आए थे, ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर्स के जबरदस्त सेल्स के नंबर्स आए, वैसे ही एक कंपनी है कि आमतौर पे थोड़ी कम लिक्विड है, VST टिलर्स,
एक जबरदस्त कंपनी है जो कि ट्रैक्टर्स के साथ साथ पावर टिलर्स के सेगमेंट में भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, और जिस तरह से एग्रीकल्चर का एक सरकार का फोकस रहा है, फिर आपके जो रूरल इकोनॉमी कर रही है, और जिस तरह के ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स चाहे एस्कॉर्ट्स के आए हैं, इवन M&M के नंबर्स अच्छे आए हैं, मुझे लगता है इस कंपनी के भी नंबर्स इस महीने के अच्छे आने चाहिए। ट्रैक्टर्स तो अपनी जगह है, पावर टिलर्स का जो सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज भारत में नॉर्मली जो किसान है उनके पास फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, जहां पे ट्रैक्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पावर टिलर्स का बहुत बड़ी डिमांड रहती है। नवंबर के अगर नंबर्स देखेंगे तो नवंबर में पावर टिलर्स में 72% की ग्रोथ बताई थी कंपनी ने पिछले साल के नवंबर के महीने से, और इवन ट्रैक्टर्स में भी 33% की ग्रोथ बताई थी। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, सेप्टेम्बर क्वार्टर के नतीजे बेहद ही शानदार थे, एबिटा मार्जिन कंपनी का आया 18% का। तो ये जो स्टॉक अभी 1940 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे मेरा बुलिश व्यू है, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2100 रुपए तक के लेवल से ये स्टॉक बिल्कुल दिखा सकते हैं। ओके, 2100 रुपए तक के टारगेट्स के लिए यहां पर करें खरीदारी। VST टिलर्स ये है बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जिस थीम की आपने बात की उस थीम से जुड़ा हुआ एक स्टॉक रिकमेंड किया था विश्वेश जी ने, एस्कॉर्ट्स, और विश्वेश जी के टारगेट एस्कॉर्ट्स में हासिल होते हुए दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, विश्वेश जी का टारगेट था एस्कॉर्ट्स में मंगलवार का, यस मंगलवार को दिया हुआ 1300 और 1340, 1300 रुपए के टारगेट हासिल विश्वेश जी के लिए, लगा दीजिए सुपर हिट कॉल का सील और बजा दीजिए बिगुल, क्योंकि विश्वेश जी तैयार है अपने एक और सुपर हिट कॉल के साथ। बताएं विश्वेश जी। थैंक यू सो मच अनिल जी, नए साल में आपके मुंह से अपनी कॉल्स की तारीफ सुनना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। मात्र आप अकेले ऐसे वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंकर हो जो अपने एनालिस्ट को अप्रिशिएट करते हो, वो हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो मैंने स्टॉक चुना है वो लेकिन 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 विश्वेश जी विश्वेश जी विश्वेश जी लेकिन 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 ये जो तारीफ वाला मामला है ना, याद रहे सिर्फ 3:30 बजे तक है, 3:30 बजे के बाद मेरे पे तारीफ का कोई दबाव है नहीं। आप सोच समझ के मस्ती की पाठशाला में आइएगा, और आज तो मतलब मैंने पूरा प्लान आपके लिए बना कर रखा हुआ है, तो मतलब जो भी आपकी बॉल आएगी आप स्टंप पे दे, स्टंप के बाहर दे, लेग में दे, ऑफ में दे, जाएगी बाउंड्री के बाहर। तो बाकी तो देखिए, जो जो बेहतरीन कॉल्स आप दे रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आप छुट्टियों के दिनों में भी, उसकी तारीफ करना तो बनता है। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं विश्वेश जी, 2021 आप इससे भी बेहतर काम करें। देखिए आपकी तारीफ में कुछ बंसल जी भी कसीदे पढ़ने वाले हैं। बंसल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं विश्वेश जी को। देखिए अनिल जी, विश्वेश जी के बारे में नहीं अनिल जी, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ अनिल जी। जब मेरे को काफी डांट पिटती है और डांट पिटने के बाद जब आपसे तारीफ सुनने को मिलती है तब अनिल जी काफी अच्छा लगता है। तो हो सकता है विश्वेश के साथ भी अनिल जी आज कुछ ऐसा ही हुआ हो, मैं सिर्फ ये अनिल जी हाईलाइट करना चाह रहा था। मैं तो आप नहीं, मैं विश्वेश जी के लिए इस तरह की बातों से दबाव में आने वाला हूँ। मुझे तारीफ करनी होगी तो ही करूंगा, और जितनी मुझे खिंचाई करनी है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इन सब चीजों से मुझे और ज्यादा मजा आता है आपकी टांग खींचने का। तो भले ही बंसल जी आपने दबाव बनाने की इनडायरेक्ट कोशिश की कि मैं तारीफ करूँ आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं ऐसा करने वाला हूँ नहीं। कॉल सुपर हिट होंगे तो जरूर आपके लिए तारीफ बजेगी, हमेशा बजनी चाहिए। आइए विश्वेश जी का लेते हैं कॉल। विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, अगला जो स्टॉक है वो आपसे ही प्रेरित है, आपने थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से पोजिशनल भी दिया था। स्टॉक का नाम है आइडिया। देखिए बहुत बड़े बेस से निकल रहा है, और मेरे हिसाब से जो भसीन साहब है वो काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर रहे थे, मैं काफ़ी वॉच कर रहा था, पैनी नज़र था। 10:30 रुपये के ऊपर जब स्टॉक निकलता है तो अगला लेवल जो इसमें बन के आ रहा है वो बहुत ही ऊपर का बन के आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 9.95 रुपये, मतलब मात्र 1 रुपये का राउंड ऑफ स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 12 रुपये 15 रुपए, सो परसेंटेज अपसाइड बहुत बड़ी है। कैश में लीजिएगा, एफएनओ का लॉट बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम स्टॉक्स के अंदर भारती के बाद अब आइडिया भी वो सिग्नेचर दे रहा है कि बड़ा मूव आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बंसी साहब आपके पास फंडामेंटल रीजन था और आपकी भी जो मार्केट एनालिसिस है और अब टेक्निकली भी कंफर्म होता है, तो जब हमारे पैनल पे सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं मुझे लग रहा है बहुत बड़ा मूव होना चाहिए आइडिया में आने वाले 10 से 15 दिनों में। 15 तक के टारगेट के लिए आइडिया खरीदना चाहिए। एनी डिक्लाइन टू 10.5 रुपए वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 9.95 रुपए के स्टॉप लॉस से आइडिया को बाय करना है 12 रुपए और 15 रुपए के टारगेट के लिए। मुझे लग रहा है स्टॉक जोर से दौड़ लगाने के लिए तैयार है।
मुंह में घी शक्कर का पूरा मिक्सचर। आइडिया आपने मेरी कल की पिक पर मुहर लगा दी, और टेक्निकली भी और अगर एफएनओ के लेवल के हिसाब से भी विश्वेश जी को पसंद है तो फिर कहने ही क्या। आइए बढ़ते आगे, और सेठी साहब हमारे साथ तैयार हैं, और सेठी साहब से लेनी है हमें दूसरी पिक भी। तो सेठी साहब बताएं आपका दूसरा स्टॉक बिगुल के बाद। बताएं सर। देखिए अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है आज का, एक एमएनसी स्टॉक है केमिकल स्पेस से। ये कंपनी का नाम है सुमितोमो केमिकल्स। ये एग्रोकेमिकल्स, क्रॉप केयर, क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर इवन इंसेक्टिसाइड्स और नॉन एग्री केमिकल्स भी बनाती है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 305 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त एमएनसी है। आप अगर इसके सेप्टेम्बर क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो बेहद ही शानदार नतीजे थे। प्रॉफिट बताया 157 करोड़ का, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 79 करोड़ का था, पिछले साल 129 करोड़ का था। एबिटा मार्जिन आए थे 24% के। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो इनका पेरेंट है, एक जापानीज कंपनी है सुमितोमो केमिकल कंपनी, जिसकी 75% इसमें हिस्सेदारी है। ये स्टॉक जो कि अभी 305 के आसपास ट्रेड करता है, इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए। इसके ईयरली हाईज है 321 के आसपास। मुझे लगता है अपने ही ईयरली हाईज को जल्दी ही निकाल देगा, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा 330 रुपए का। स्टॉप लॉस रखना है 295 का। ओके, 295 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट। सुमितोमो केमिकल्स, ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए चलते हैं सुमित जी के पास उनके सुपरहिट कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सुबह हमने चोला फाइनेंस दिया था, उसमें बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला, और अब जो स्टॉक रडार पे आया है वो है एलएनटीएफएच, एलएनटी फाइनेंस। इसके अंदर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक कल का, परसों का, तरसों का, तीन दिन का हाई तो ब्रेक ही किया है, रिसेंट के स्विंग हाई भी ब्रेक कर चुका है, 96 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो एलएनटी फाइनेंस के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक सेंचुरी लगाने को तैयार है। इस बार स्टॉक 99-100 का इमीडिएट टारगेट हिट करेगा, और 100 का लेवल क्रॉस करने पे 105 रुपए तक के लेवल एलएनटी फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। नीचे में जो सपोर्ट है 92.50-93 के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस होगा। एलएनटी फाइनेंस के अंदर 95 वाला कॉल 5.90 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 5.90 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 4.40 रुपए के, 4.40 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के। एलएनटी फाइनेंस का 95 का कॉल खरीदा जा सकता है। स्पॉट के हिसाब से 99-100 के इमीडिएट टारगेट होंगे। 105 रुपए तक के लेवल भी स्टॉक के अंदर नेक्स्ट वीक में देखने को मिलने चाहिए। तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एलएनटी फाइनेंस यहां पर करके चलनी है आपको खरीदारी। जबरदस्त एक्शन आ रहा है एनबीएफसीज में, डेज हाई पर 3.5% की तेजी के साथ। चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, साल का ओनली ऐसा दिन है सर जहां पर मेरे पास ग्लोबल मार्केट के लिहाज से तो कुछ अपडेट देने को नहीं है, क्योंकि सारी बाजारों के बारे में जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी से पहले वो सब के सब बंद हैं, तो कोई एक्शन ग्लोबल फ्रंट पे तो नहीं है जहां पर मैं अपडेट करूं, बट ऑफकोर्स भारतीय बाजारों पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। बताएं सर क्या करना चाहिए। एक्शन भरपूर है दीप, और फिलहाल तो कोई ऐसे संकेत है नहीं जिससे कि ब्रेक लगे। देखते हैं कल, सोमवार को जब ग्लोबल मार्केट्स खुलेंगे तो कैसा क्या हाल रहेगा, लेकिन फिलहाल जो स्क्रीन दिख रही है वो बेहद मजबूत दिख रही है, और 14,000 के ऊपर बाजार बंद होने को तैयार है। एक दो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ डेटा में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दीप, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। निफ्टी, जो आज से वीकली और मंथली सीरीज की शुरुआत हुई है, उसमें डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बनकर आ रहे हैं। कैसे? 14,000 का डेटा बहुत ही जबरदस्त एक्शन से आता हुआ दिख रहा है। एक पहली बात बताऊं, सीरीज के पहले दिन एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। वीकली सीरीज जो इस हफ्ते की है, जो अगले गुरुवार को खत्म होगी, 14,000 के पुट पर 31 लाख शेयर हैं और 14,000 के कॉल पर 32 लाख शेयर, यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी दोनों का बराबर, 31 लाख 32 लाख शेयरों का एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, वो भी 14,000 पर। तो अब बड़ा सवाल है कि जब 14,000 पर पुट बेचने वाले भी उतने और कॉल बेचने वाले भी उतने, तो बाजार तेजी में रहना चाहिए या मंदी में? करेक्ट, ये सवाल आना चाहिए दिमाग में।
इसका जवाब है तेजी में। और क्यों, मैं लॉजिक के साथ बताता हूं। 14,000 के पुट पर 18 लाख शेयर आज जुड़े हैं और 14,000 के कॉल्स पर आज 12 लाख शेयर जुड़े हैं। यानी कि पहली चीज तो पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, दूसरी चीज 14,000 के ऊपर हम बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरी चीज ज्यादातर वक्त आज हमने 14,000 के ऊपर निकाला है, नीचे में खाली 13,991 का एक लेवल थोड़ा सा बना है। तो ये तीन कारण ऐसे हैं जो आज 14,000 के ऊपर का बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और, मंथली सीरीज भले लंबी सीरीज है और लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मंथली सीरीज में भी कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000 के कॉल्स पर है। ठीक है, मैं एक सीरीज पीछे ले जाता हूं आपको। पूरी सीरीज में 13,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहा दिसंबर की सीरीज में, और दिसंबर की सीरीज में वो जो कॉल राइटर्स जिन्होंने मंथली वाले बेच कर रखे हैं 13,000 के कॉल, ये सोच के कि बाजार नीचे आएगा कुछ हम फायदा हो जाएगा, उन्होंने पूरी सीरीज में काटा नहीं और आखिरी दिन जाकर बुरी तरह से कटे 31 दिसंबर को। यही गलती 14,000 के कॉल राइटर्स भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी सीरीज में 15,000 हो जाएगा, लेकिन आपके लिए इस वक्त 14,000 के कॉल्स में शॉर्ट रहने का कोई लॉजिक नहीं है, डेटा के लिहाज से और ट्रेंड के लिहाज से ये बहुत साफ दिख रहा है। तो ये कॉल राइटर्स ही हैं जो बाजार को गिरने नहीं दे रहे, नीचे नहीं आने दे रहे, जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है। तो ये सपोर्ट आपके लिए निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है और जगह बची है ऊपर की तरफ, 14,075 14,125 तक की जगह निफ्टी पर बाकी है। और अगर आज दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर निफ्टी बंद हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, तो यहां से भी हल्की बढ़त और हो सकती है 14,060 से 14,075 तक की निफ्टी की जाने की तैयारी में, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं जो हो सकती है, ये डेटा में साफ नजर आ रहा है। तो डेटा बहुत मजबूत है, आज आपको मजबूत क्लोजिंग मिलेगी, आखिरी मिनटों तक खरीदारी होती रहेगी, ये आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 31,000 मजबूत सपोर्ट है, 8 लाख शेयर है, ओपन इंटरेस्ट कम है। 31,500 मजबूत रुकावट है, 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। इस बीच में 31,300 लड़ाई वाला लेवल है, मेक और ब्रेक रस्सा कशी वाला। 31,300 के पुट पर 5 लाख शेयर हैं बैंक निफ्टी में, कॉल्स में 7 लाख शेयर है। तो यहां पर थोड़ा सा कॉल राइटर्स हावी है, थोड़ा सा एक नॉच ऊपर। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 31,325 के ऊपर आज क्लोज देना बहुत जरूरी है। अगर आज बैंक निफ्टी 31,325 के ऊपर बंद नहीं होता है तो मामला उतना मजबूती का नहीं है। फिर आपको उसका रीजन बताता हूं दीप, क्योंकि अब तक जो बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको वो मिली है 31,322 की 29 दिसंबर को। तो आज मंडे के लिए बैंक निफ्टी की फ्रेश तेजी की पोजीशन मुझे बनानी है तो उसके लिए मुझे 31,325 के ऊपर की बंद चाहिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। लेकिन निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, है ऑलरेडी। निफ्टी में आप सोमवार के लिए लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हैं, बचे हुए समय के लिए भी 20-25 पॉइंट की पोजीशन बनानी तो बना सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में 31,325 के ऊपर होने पर बनाएंगे। और अगर वैसा नहीं होता है तो हम इंतजार करेंगे नीचे के लेवल का, फिर सोमवार को देखेंगे, और नहीं तो सोमवार को ब्रेकआउट आएगा तब बैंक निफ्टी में लेंगे। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, बैंक्स मजबूत तो हैं लेकिन वो सारे सरकारी बैंक मजबूत है, और सरकारी बैंकों का बैंक निफ्टी में कोई खास योगदान है नहीं एसबीआई को छोड़कर, ठीक है ना। तो ऐसे में बैंक निफ्टी सरकारी बैंकों के चलने के बावजूद मजबूत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पार्टिसिपेशन पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी के लिए, तो निफ्टी पर क्लियर कट फर्स्ट क्लास तेजी करने की राय, बैंक निफ्टी पर 31,325 के ऊपर आज बंद होता है तो आखिर में 3:20 तक भी मेरा इंतजार न करें, मैं बता तो दूंगा, लेकिन वहां पर भी फिर आप सोमवार के लिए तेजी की पोजीशन और ऐड करके जाएं। जी दीप, ओके। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा निफ्टी पर है, पर बैंक निफ्टी भी अच्छा है, बाजार का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी पर तो लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करें, बैंक निफ्टी पर देखते हैं 31,300 के ऊपर क्या एक्शन है। बट भरपूर एक्शन बाजार में है, रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है और वहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन बना के रखें। आइए कुछ और कॉल्स जो आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं सिमी जी की तरफ से, उनके नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, इस बार मेरे पास दो दो कॉल है, एक तो एसआरएफ में कॉल देना है, वो बाई कॉल ही होगा, वो तो आप लोगों को भी मालूम है, मैं बाई कॉल ही देने जाऊंगी एसआरएफ में। लास्ट वीक एक्चुअली 5,500 के आसपास हम लोग बाई कॉल दिया था, अनिल जी ने पूछा था कि शायद दीपांशु आप ही ने पूछा था मुझसे कि यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है, 5,500 हो गया एसआरएफ, उसी समय मैंने कहा यहाँ पे फ्रेश बाई करना चाहिए, अभी 5,680 है,
जब मैं डे रही थी दिने जा रही थी तब 5650 था। मुझे लगता है दीपांशु इस बार ये जो इसका जो टारगेट आएगा वो 5840 से 5900 तक आएगा और ये हो सकता है कोई ब्रेक लगा ना लगा के ये चला जाएगा, एक आध ट्रेडिंग सेशन में ये रेंज आ सकता है। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 5550 का होगा, करंट लेवल पर खरीदना है थोड़ा सा और नीचे आने से थोड़ा सा एडिशन करना है। ये स्टॉक SRF ये तो फ्यूचर्स में है, फ्यूचर्स में भी लिया जा सकता है, एक वीक का नजरिया आपको रखना पड़ेगा मिनिमम। और दूसरा मैं स्टॉक जो मैं अभी रेकमेंड करने के लिए जाऊंगी वो एक कैश बेस्ड स्टॉक है, कैश मार्केट में डिलीवरी उठा के ही खेलना है। टीम प्लेट एक ऐसा शेयर है जिसमें लॉन्ग टर्म से हम लोग मतलब बुलिश है, मैं बुलिश हूँ और मेरे क्लाइंटों को मैंने खरीदवाया है। आज बहुत दिनों के बाद इसमें एक नया ब्रेकआउट आया है, नया तेजी दिखने को मिल रहा है, 170 का लेवल अभी देख रहा है, इसका ब्रेकआउट 160-190 के ऊपर आया है, आज ही आया है ब्रेकआउट, तो देने में 10 रुपया बढ़ गया। पर यहाँ पे भी मुझे लगता है कि छोटा सा क्वांटिटी खरीदना चाहिए और 161-162 के आसपास अगर एक आध ट्रेडिंग सेशन में आता है करेक्शन तो वहाँ पे एडिशन करना है, 154 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदना है। और इसका जो टारगेट रहेगा 195 का पहला, 210 का दूसरा और 225 का तीसरा, ये तीनों टारगेट्स के लिए टीम प्लेट को खरीदना चाहिए। और टीम प्लेट का जो नजरिया जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 महीना होगा, तो टीम प्लेट 1 से 2 महीना होगा टीम प्लेट, और SRF एक वीक के लिए SRF का कॉल खरीदना है और टीम प्लेट 1 से 2 महीना के लिए खरीद। ओके तो थोड़ी पोजिशनल कॉल्स आती हुई सिमी जी की तरफ से, एक हफ्ते के नजरिए से SRF खरीदिए, 1 से 1.5-2 महीने के नजरिए से टिन प्लेट पर करनी है खरीदारी, दोनों पर बढ़िया गेन्स आपको आती हुई दिख सकती हैं। चलिए स्वागत करते हैं नितिन मुरारका साहब का निफ्टी के निशानेबाज। नितिन मुरारका नितिन जी, सीरीज की शुरुआत दमदार नोट पर होती हुई दिख रही है, बताएं सर डेटा क्या क्या रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस समय? देखिए अभी तो और मूवमेंट बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग ऑफ सीरीज है और डेटा जिस तरीके का रोल ओवर है ये पॉजिटिव रोल ओवर है और अगले दिन भी मूव मिल रही है तो वो प्राइस कंफर्मेशन दे रही है कि जो रोल ओवर पॉजिटिव दिख रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो उसको देखते हुए हम 14,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 129 रुपीज में मिल रही है और आज मार्केट मूवमेंट हुई है बट ये कॉल बढ़ नहीं रही है क्योंकि टाइम डिके हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट 160-165 होना चाहिए ऐसे और स्टॉप लॉस 105 रुपये का रखेंगे, यानी हम 25 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख रहे हैं और टारगेट करीब 35-40 रुपये का ऊपर का बनेगा, डिपेंड करता है बट मुझे ऐसा लग रहा है हम इन द मनी ले रहे हैं तो 170 का भी टारगेट बन सकता है, तो 14,000 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, 170 का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। यह है राय आपके लिए, निफ्टी पर इस वक्त 14,000 का कॉल ऑप्शन, 129-130 के आसपास खरीदे, 105 का स्टॉप लॉस, 160-165 के लेवल के लिए निफ्टी पर खरीदारी करने की राय। नितिन जी निफ्टी के डेटा तो क्लियर कट है, बैंक निफ्टी के डेटा में थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए या वहां पर भी खरीदारी के संकेत आ गए हैं अभी? बैंक निफ्टी में मैं वेट कर रहा हूँ कि 31,500 के ऊपर निकल जाए तो उसके बाद एकदम प्राइस कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये रोल ओवर बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी में 14,050 का कंफर्मेशन चाहिए था फ्यूचर्स में जो निकल गया है, अभी 14,065-66 है तो निफ्टी में कॉन्फिडेंट आ रहा है कि रोल ओवर लॉन्ग ही है और वो बैंक निफ्टी में भी आना चाहिए और मुझे लग रहा है ये ऊपर ही जाएगी। 31,500 का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर 31,500 जब भी ब्रेक करे तो उस समय आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बुल कॉल स्प्रेड या कोई भी बुलिश स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मेरा मानना है कि 31,500 हम क्रॉस कर जाएंगे बट जो ट्रिगर लेवल है वो 31,500 फ्यूचर लेवल है, उसके ऊपर ये 32,500 की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। ओके तो ये है आपके लिए निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी पर भी राय। आइए बढ़ते आगे और एक स्पेशल बिगुल किरण जी के लिए, किरण जी तैयार है अपनी स्पेशल पिक के साथ। आमतौर पर स्पेशल बिगुल का इस्तेमाल किरण जी तब करते हैं जब वो शो में नहीं होते, लाइफ लाइन के तौर पर, ताकि स्पेशल बिगुल के नाम पे मैं जल्दी से उनके पास पहुंच जाऊं, कांटेक्ट करूं और तुरंत उनकी कॉल ले ली जाए। लेकिन आज शो में होते हुए भी अगर वो स्पेशल बिगुल की फरमाइश करें तो वाकई में स्टॉक बड़ा दमदार और स्पेशल होने वाला है। बिगुल बताएं किरण जी, स्पेशल बिगुल की वजह और स्टॉक दोनों।
अनिल जी, वजह तो एक ब्यूटीफुल प्राइस पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, पहला ब्रेकआउट हुआ था, उसका टेस्टिंग हुआ और उसके बाद वापस एक बार ब्रेकआउट, जब ये होता है तो वह एक बहुत बड़ी रैली आती है। मेरा मानना है कि अदानी पोर्ट्स अभी इमीडिएटली बाय करके चलना चाहिए, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है कैश मार्केट से, 503 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि इधर बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 496 यानी 4 रुपए नीचे रहेगा करंट मार्केट प्राइस में, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट्स के लिए 516 518 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए सोमवार सवेरे के फर्स्ट हाफ में। इतना बड़ा ब्रेकआउट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, छोड़े ना, पकड़ के रखें और बड़े मुंह के लिए तैयार होता दिख रहा है अदानी पोर्ट। और ये है राय स्पेशल बिगुल के तौर पर किरण जी की तरफ से। आइए एक और बिगुल, और वो है सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, और अनिल जी ये स्टॉक हमने वैसे तो नीचे में 60 रुपए के लेवल से रिकमेंड किया है, फिर इसको दिवाली वाले दिन रिकमेंड किया है, और आपने भी इसको रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल, 88 रुपीज 70 पैसे पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एबी कैपिटल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आज देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम्स के तौर पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एबी कैपिटल में यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और इस बार ये स्टॉक ऊपर में 98 से 100 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे सीएमबी पे एबी कैपिटल पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस इसका लगाना है 84 रुपीज 50 पैसे का, और ऊपर में जो इमीडिएट और पहला टारगेट बनेगा एबी कैपिटल का वो बनेगा 94 रुपए का। 94 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तो 98 से 100 रुपए तक के टारगेट एबी कैपिटल में जल्दी देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी एबी कैपिटल बाय किया हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की जा सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से। 84.50 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 94 रुपए से लेके 98 रुपए या 100 रुपए तक के लेवल जल्दी ही एबी कैपिटल में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो एबी कैपिटल ये है एक स्टॉक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। और आपको याद होगा दिवाली के दिन 14 तारीख 14 नवंबर को अनिल जी ने भी आपको कहा था, एक हाई रिस्क का आइडिया दिया था आपको एबी कैपिटल, तब 81.5 के लेवल्स का था। वहां से देखिए जबरदस्त एक्शन आ गया, और अब सुमित जी भी इस एक्शन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एबी कैपिटल ये है एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, जबरदस्त एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक फिसला है, लगभग 150 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से आई है, बट ये उतार चढ़ाव तो बाजार में चल ही रहा है। जिस तरह से एक्शन है अदानी पोर्ट्स अदानी एंटरप्राइजेस दोनों पर नजर रखिए, जबरदस्त उछाल वहां पर अभी आते हुए दिखा है। कॉनकॉर ये एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। सिमी जी बताएं, कॉनकॉर पर कोई ट्रेड बन सकता है आज के लिए? सिमी जी अगर आप मेरे को सुन पा रही हैं, कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन कोई ट्रेड है यहां पर? जी बिल्कुल दीपांशु, कॉनकॉर मुझे लगता है कि ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है काफी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि ये तो चल ही रहा है, और मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो करीब 415 से 420 के आसपास है। स्टॉक अभी 405 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि 397 का स्टॉप लॉस इसके लिए हो सकता है। ऐसे ही 397 का स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ और 415-420 का मैं टारगेट्स दे रही हूँ, क्योंकि वही इसका रेजिस्टेंस है। जब ये स्टॉक 420 का रेंज पार करेगा, 415-20 का रेंज पार करेगा, तब इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हो सकता है ये स्टॉक उसके बाद नया मोमेंटम दिखाने शुरू करेगा। फिलहाल के लिए 397 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 415-420 ये दो टारगेट्स नेक्स्ट दो हफ्ते के लिए रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर भी एक पोजिशनल व्यू लेकर आप चल सकते हैं। पर इस बीच एक और बढ़िया कॉल आपके लिए आ रही है अनिल जी की तरफ से, बिगुल कल के 2000। बताएं सर। एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक दीप, वो समर्पित है कुणाल जी और राकेश जी को। साल के पहले दिन दिल्ली का स्टॉक डीएलएफ 236 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की राय। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा है, और मैं इंतजार कर रहा था इस स्टॉक के 235 के पार निकलकर टिकने का, क्योंकि बार बार ये स्टॉक 232-234 की रेंज में आकर अटकता था। अब 235 के पार निकलकर ये बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 232 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉक यहाँ से तेज दौड़ लगाने को तैयार है। दो वजह, एक तो रियल एस्टेट सेक्टर पूरा ही मजबूत नजर आ रहा है, और दूसरी चीज दीप ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जिस
तरह की बुकिंग्स आ रही हैं, जो बुकिंग के डेटा आएंगे वो बहुत ही तगड़े हैं होंगे और ये बुकिंग के डेटा इन स्टॉक्स में और ज़्यादा अच्छी मजबूती देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है डीएलएफ में 240, 243, 249, ये तीन टारगेट 240, 243 और 249, तीन टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए और ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया तेज दौड़ लगाने को तैयार है। लीजिए बात करते करते 240 के लेवल पर पहुंच चुका है, अब 243 और 249 के टारगेट के लिए, 243, 249 के टारगेट के लिए इसे होल्ड करें, यहाँ से भी एक अच्छी मजबूती बनने की पूरी पूरी संभावना डीएलएफ में बन रही है। तो डीएलएफ पर कुणाल जी जरा चार्ट देखिए और दीजिए आपकी राय, दिल्ली वाले हैं आप। अनिल जी देखिए जबरदस्त चार्ट है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है अनिल जी, जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं और इसका ब्रेकआउट जो है अभी अभी आता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल मौके पर अनिल जी आपने खरीदारी की राय दी है और आपके इस व्यू से भी अनिल जी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं इन सभी स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी और अगर ऐसी तेजी बनी तो डीएलएफ पीछे रह जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो डीएलएफ में खरीदारी करके बिल्कुल चलनी चाहिए मेरी राय में अनिल जी। थोड़ा सा स्टॉप लॉस 232-33 के आसपास रख लें और पहला टारगेट जो है वो सीधा 250 रुपए का है, उससे पहले कोई छोटा टारगेट नहीं है, तो 250 के टारगेट से डीएलएफ बिल्कुल बाय करना चाहिए अनिल जी। चार और टारगेट्स और लेवल्स भी मिल रहे हैं, 232 का स्टॉप लॉस मैंने भी दिया है, 2000 वालों के लिए 240, 243 के छोटे टारगेट हैं, बाकी 250 आपका टारगेट है, 249 मेरा टारगेट है, तो लगभग लगभग टारगेट भी आपके हमारे मिल चुके हैं। तो कुणाल जी और मेरी राय डीएलएफ पर मिलती हुई, स्टॉक कमाल करने को तैयार है, ये स्टॉक भी यहाँ से बढ़िया एक्शन में आने को तैयार है दीप। तो डीएलएफ है दीप मेरा आज के 2000 वाला, कल के 2000 वाला स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, तो डीएलएफ पर रखते हैं नजर, पहला टारगेट आ गया बल्कि अब तो दूसरे टारगेट भी आने की तैयारी में, 241.5 पर तो स्टॉक पहुंच ही चुका है, 243 का दूसरा टारगेट है वो भी आने की तैयारी में है। और क्योंकि सर आपने रियल एस्टेट सेक्टर की बात करी और जबरदस्त एक्शन भी बन रहा है, तो मानसी के पास चलते हैं और जानते हैं कौन सी ऐसी स्पेस है रियल एस्टेट की जहां पर थोड़ा और एक्शन आने वाले समय में बन सकता है, बताएं मानसी। दीपांशु, वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस है जहां पर 2021 में भी अब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। कोरोना के बाद दरअसल डेवलपर्स जो है उनका झुकाव अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बढ़ेगा, इसके मायने भी कई सारे हैं। और सबसे पहले तो हम देश के 7 बड़े शहरों में की बात कर रहे हैं, 2023 तक करीब 7,70,000 अफोर्डेबल होम्स तैयार होने की संभावना यहां पर रिसर्च रिपोर्ट में जताई जा रही है। इन अफोर्डेबल होम्स की कीमतों की अगर बात करें, अराउंड 45 लाख या उससे कम की कीमतों वाले अफोर्डेबल हाउसेस होंगे जो कि तैयार किए जाएंगे। 2020 में मुंबई में सबसे ज्यादा सस्ते घर लॉन्च हुए थे और अगले 2 सालों तक अफोर्डेबल हाउसिंग पर डेवलपर्स का फोकस रहने वाला है। अब एक टेबल आप देखेंगे जहां पर 45 लाख तक के घर जो हैं, यानी कि अफोर्डेबल होम्स की तादाद 2020 में कैसी रही वो हम दिखाने जा रहे हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हाउसेज लॉन्च हुए, 15,170 यूनिट लॉन्च हुए, वहीं उसके बाद पुणे में 11,120 और इसी क्रम में एनसीआर, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में अफोर्डेबल होम्स बनते हुए दिखे और लॉन्चेस नए अफोर्डेबल हाउसेस बनते हुए दिखे। 2021 में यह थीम क्यों जारी रहेगा, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का सहारा मिलता दिखा है, इसका एक बूस्ट है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि 2021 में भी जारी रहेगा। सस्ते घरों पर जीएसटी में कटौती से फायदा मिलता रहा है जो कि मिलता रहेगा। कोरोना के बाद लोगों की सोच दरअसल बदली है, घर खरीदने पर अब ज्यादा जोर है और डेवलपर्स इस मौके का पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। इनका अफोर्डेबल स्पेस से जुड़े शेयर में काफी हद तक फायदा देखने को मिलेगा। शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, डीएलएफ, पूर्वांकरा जैसे शेयरों पर नजर रखनी होगी। हो सकता है आने वाले दिनों में यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिले। आने वाले दिनों में तो तेजी दिख सकती है, आज भी भरपूर एक्शन में है और डीएलएफ एक स्टॉक है जहां पर आपको एक्शन और बनते हुए दिख रहा है। एक्शन कई और स्टॉक्स में बन रहा है, चलते हैं विश्वेश जी के पास, विश्वेश के विशेष के लिए। बताएं विश्वेश जी।
देखिए आज एक टिपिकल पैटर्न है कि जितने फाइनेंशियल स्टॉक्स है वेदर इट इज चोला वेदर इट इज एलएनटी फाइनेंशियल वेदर इट इज एमएनएम फाइनेंशियल दे हैविंग अ वेरी ह्यूज यू नो मोमेंटम और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनमें सबसे लैगार्ड है जो पूरा पैक है एनबीएफसीज में वो है पिरामल एंटरप्राइज. पिरामल एंटरप्राइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लार्ज कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और ये जो ब्रेकआउट होगा ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेड ना होकर बहुत बड़ा मोमेंटम इन्वेस्टिंग ट्रेड होगा जिसको आप एक दो महीने के लिए होल्ड कर सकते हो. मुझे लग रहा है 1200 से 1400 1500 की रेंज में पिरामल एंटरप्राइज ऑलमोस्ट जुलाई से ट्रेड कर रहा है विच इज ऑलमोस्ट लाइक 8 मंथ्स. अगर इसका ब्रेकआउट आता है जो ऑलरेडी मंथली और वीकली चार्ट्स के ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि अपवर्ड हो सकता है तो स्टॉक यहां से मिनिमम 2000 के लेवल तक जा सकता है क्योंकि सीरीज की शुरुआत है नए साल की शुरुआत है तो मेरी ओर से जो ये पिक है पिरामल एंटरप्राइज वो इन्वेस्टिंग के लिहाज से है. इसको अक्यूमुलेट करिए आप 1400 से 1500 की रेंज में ट्रेड भी कर सकते हो आप. 1320 के स्टॉप लॉस से मतलब थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है 2000 एकमात्र टारगेट के लिए पिरामल एंटरप्राइज को बाय करके रखना चाहिए. मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू बी द फाइनेस्ट स्टॉक इन द एनबीएफसी स्पेस वंस द ब्रेकआउट कम्स और मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे और पीछे मार्केट अगर 1400 की ओर जा रहा है तो पिरामल एंटरप्राइज शुड गो टूवर्ड्स 1800-2000 रुपीज. सो पिरामल एंटरप्राइज बाय करिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से 1320 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से और 2000 के एकमात्र टारगेट के लिए. बिल्कुल और विश्वजीत 1390 1385 के आसपास मैंने पिछले हफ्ते इसको रिकमेंड किया था 1370 के स्टॉप लॉस के साथ. 1390 1400 का पहला टारगेट था और हमने कहा भी कि 1400 पे भी मत बेचिए 1450 पर और बड़े टारगेट रखने तो 1600 1650 के. वैसे आपने 2000 के बड़े टारगेट दिए. मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ क्या आप 15 जनवरी तक 1600-1650 आना संभव है. मेरी राय है हाँ. अगर आप मेरी राय से सहमत हो तो बताइए 1600-1650 तक के टारगेट पीएल के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए 15 जनवरी तक. देखिए अनिल जी मैंने आपके साथ बाय दिया था और मैंने जब आपने 1400 पर रिकमेंड किया तो मैंने कहा था कि वहां रुकेगा नहीं ये 1500 तक जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा है देखिए कुछ स्टॉक्स के सिग्नेचर होते हैं और जब मैं सिग्नेचर बोलता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्राइस वॉल्यूम एक्शन. स्टॉक बहुत ही ब्यूटीफुली अक्यूमुलेट हो रहा है ऑन लॉट ऑफ फ्रंट. ऑप्शन डेटा देखें प्राइस देख रहे और मैं सम अप करके ये कह सकता हूँ कि स्टॉक अगर 1500 के ऊपर निकल गया तो रॉकेट होगा और सीधा 1600-1750 तक के लेवल देखेंगे. और ये सब स्टॉक के लिए 20% कोई बड़ी बात नहीं होती है. हाईली लिक्विड स्टॉक है और कहीं ना कहीं मैं भी मानसी को सुन रहा था और मुझे लग रहा है कि बॉम्बे रियल एस्टेट अगर अच्छा हो रहा है एंड एनबीएफसी बुक पर्टिकुलरली पिरामल की हैज अ वेरी ह्यूज एक्सपोजर ऑन द रियल एस्टेट स्पेशली इन बॉम्बे तो मुझे लगता है दिस स्टॉक इज वेटिंग टू बी ब्रेकिंग आउट ऑन अपसाइड और आपका फंडामेंटल कंफर्मेशन मेरे हिसाब से और बूस्टिंग का फैक्टर होता है. पिरामल एंटरप्राइज विद हाई कन्विक्शन खरीदना चाहिए. इट इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड. ओके हाई कन्विक्शन बाय पिरामल एंटरप्राइजेस ये है आपके लिए राय और ये स्टॉक बड़ा कमाल दिखाने की तैयारी में. मैं बता दूं आपको मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि दो बड़ी खबरें आने की तैयारी में पिरामल के लिए कभी भी आएगी. एक डीएचएफएल के एक्विजिशन को लेकर काफ़ी रस्साकशी ऑक्ट्री और पिरामल के बीच में चल रही है. देखते कौन आगे निकलता है. अभी तो फिलहाल पिरामल रेस में थोड़ा आगे दिख रहा है. दूसरा जो इनका ग्लास कारोबार है वो $1 बिलियन के आसपास 800 मिलियन से $1 बिलियन के बीच में बेचने की तैयारी में है ब्लैकस्टोन को. ऐसी खबरें हैं तो ये दो खबरों के दम पर जब भी ये खबरें आएगी और अगले 10-15 दिनों में ये खबरें आती तो पिरामल के लिए बड़ी काम की ये खबरें होंगी. ये स्टॉक को आगे मजबूती देंगी और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ हफ्ते दो हफ्ते के लिए हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द सीरीज भी आ जाए. और विकास जी भी हमारे साथ हैं. विकास जी भी मुझे याद है विकास जी ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था तो एक बार मैं विकास जी से भी पिरामल पर राय लेना चाहता हूँ. विकास जी बताएं सर. नहीं बिल्कुल अनिल जी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है और एकदम बिल्कुल तैयार है ये तेजी के लिए और इस लेवल पे बिल्कुल खरीदना चाहिए. ये विश्वेश ने ऑलरेडी कवर कर दिया. अदरवाइज मेरा भी ये एफएनओ का जो पिक मुझे देना था उसमें यही आ रहा था रडार पे. मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए. ये आने वाले वीक में ही मुझे लगता है इसमें 1600 तक के लेवल्स बिल्कुल देखे जा सकते हैं. और बाकी अनिल जी एक पिक है एफएनओ स्पेस से जो आने वाले वीक के लिए पिरामल को छोड़ के तो अगर आपकी इजाजत हो तो वो मैं रिकमेंड करूँ. बिल्कुल बिल्कुल तैयार है विश्व विकास जी के लिए. आइए सेठी साहब की सदाबहार पिक्स.
अगर सदाबहार, सेठी साहब और शॉर्ट टर्म, इन तीन में से कहीं भी मेरा टंग ट्विस्टर हो जाए, कोई भी शब्द आगे पीछे हो जाए, तो उस पर कृपया गौर न करें। मामला सिंपल है, पिक्स लेनी है सेठी साहब से। सेठी साहब बताइए, कौन सा है एफएनओ वाला स्टॉक आपका? आप बिल्कुल अनिल जी, देखिए अनिल जी, पिछले आपको याद होगा कुछ दिन पहले से मैंने इंफोसिस रेकमेंड करा था और वहां से शानदार रिटर्न्स इंफोसिस ने दिए हैं। मुझे लगता है अगला सप्ताह बिल्कुल आईटी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए और वहां से मैंने आज टीसीएस को पिक किया है जो अभी 2925 रुपए के लेवल पे जनवरी के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। टीसीएस के नतीजे अगले सप्ताह शुक्रवार को आने वाले हैं, शानदार नतीजे होने चाहिए और मुझे लगता है यहां से नतीजे तक टीसीएस में मैं 3100 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट करता हूं। तो मेरा टारगेट थोड़ा लंबा है, 3100 का स्टॉप लॉस रखना है 2880 रुपए का। टारगेट 3100 का, यह है राय आपके लिए इस वक्त टीसीएस पर खरीदारी करने के लिए। आज से नतीजों का सीजन का आगाज सेठी साहब ने कर दिया है जी बिजनेस पर टीसीएस के बम्पर कॉल के साथ, और नतीजों के सीजन में आप बने रहे हैं जी बिजनेस के साथ, क्योंकि नतीजों से पहले के ट्रेड अब वो ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि नतीजे आने के बाद स्टॉक में रिएक्शन अलग तरह का होता है, आने से पहले अलग तरह का होता है, नतीजों के वक्त और भी अलग तरह का होता है। तो तीनों ही वक्त आपके लिए जी बिजनेस पूरी तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ आपको नतीजे पेश करेगा, और आप रिसर्च तो देख ही चुके हैं किस तरह की तगड़ी रिसर्च जी बिजनेस की तरफ से आपके लिए हर रोज आती हुई नजर आती है। 3:15 का वक्त है, 5 मिनट बाद हम 3:20 की आपके लिए फाइनल स्ट्रेटजी भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सब मजबूत शेयरों का हमने जिक्र किया, मैं सोच रहा हूँ एक आध कमजोर शेयरों की भी बात कर ली जाए। ICICI बैंक किन लेवल्स के आसपास ये नीचे आ जाए सिमी जी तो खरीदना है, क्योंकि आपसे बेचा तो जाता नहीं है, आप तो कोशिश हमेशा खरीदने की करती है, तो किन लेवल्स के आसपास आप कंफर्टेबल हो जाएगी कि आप खरीद लेते हैं? देखिए मुझे तो अनिल जी लगता है कि यह आज ही नहीं चला, और हो सकता है यह आज नहीं चला तो नेक्स्ट मंडे को यह चल जाएगा। अब लेवल्स के बारे में मैं ये कहूंगी कि 520 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा 520 के आसपास, पर वो वहां तक भी जाएगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अगर 520 के आसपास मिल जाए तो 517 का स्टॉप लगा के वहाँ पे खरीदने का सलाह होगा, और 540 से 550 का टारगेट मिनिमम ऐसे ऐसे बैंक के लिए है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। ओके, ICICI बैंक थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है, पर वैसे पिछले 2-3 दिनों से लीडरशिप ली हुई थी, और जो बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूव आई थी उसमें ICICI बैंक की भी हिस्सेदारी रही है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट आ रही है, पर एक्शन में है भरपूर स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर भी दमदार प्रदर्शन आते हुए दिख रहा है, और कई सारे ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया तेजी का माहौल है। कैसी रही है अब तक की ऑटो सेल्स, ये जानने के लिए चलते हैं कुशल के पास। कुशल बताएं, अनुमान या फिर अनुमान से बेहतरी आए हैं इस बार के नंबर्स? बिल्कुल दीपांशु, यहाँ पर इनफैक्ट आप अगर आप स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो मारुति सुजुकी लीड करता हुआ नजर आया है। हमारे जो अनुमान थे वो करीब 155,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले 160,226 यूनिट जो है कंपनी पोस्ट करने में सक्सेसफुल रही है, तो अनुमान से बेहतर नंबर्स यहाँ थे। पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का वहाँ पर देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, करीब 10% की गिरावट जो है हमें इनके ओवरऑल जो ऑटो नंबर्स आए थे उसमें देखने को मिली है। 41,050 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले करीब 35,200 यूनिट्स ही कंपनी बेचने में सफलता प्राप्त की। वहीं अगर आप ट्रैक्टर बिक्री देखें तो एस्कॉर्ट्स जो सुबह आपको नंबर्स देखने को मिले थे, शानदार नंबर्स, 88% बढ़कर जो है इनकी सालाना आधार पर बढ़त रही है दिसंबर ऑटो बिक्री में। वहीं M&M यहां पर ट्रैक्टर सेगमेंट में भी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है, हमारा अनुमान 23,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले करीब 22,400 यूनिट्स जो है कंपनी ने बेचे हैं। वहीं CV स्पेस यहाँ पर दोनों फ्रंट, यानी कि अगर आप VECV देखें या अशोक लेलैंड, दोनों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जैसे कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि लगातार मंथ ऑन मंथ भी जो है CV स्पेस में रिकवरी आपको देखने को मिली है। 11,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था अशोक लेलैंड के लिए, 12,762 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। वहीं आइशर मोटर्स भी अगर आप देखें जो VECV स्पेस है इनका, 4,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले ऑलमोस्ट 4,900 यूनिट्स यहां पर भी बेचते नजर आए हैं, तो क्लियर आउट परफॉर्मर CV स्पेस रहा है इस बारी। बिल्कुल, तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस रहा है CV स्पेस का, और CV साइकिल से आप बेहतर प्रदर्शन आते हुए देख रहे हैं, और इसलिए सारे CV रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अशोक लेलैंड ऑफ कोर्स वहां पर हमारी फिगर फोकस है, और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको खरीदारी की भी राय दी है इस पर चलते हैं अनिल जी के पास। स्ट्रैटेजी तो लेंगे, पर स्ट्रैटेजी से पहले बिगुल कल के 2000।
बताएं सर जी। वैसे तो स्टॉक नया नहीं है, लेकिन मुझे नए तरीके से ये खरीदारी करने के संकेत दे रहा है, ये है आइडिया। कल भी हमने इस स्टॉक को इस साल के लिए आपको हाई रिस्क वाला जो आपकी फरमाइश थी उस पर दिया था, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से मूव देने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज जिस तरह का मूव आया, स्पेशली कल वाली खबर के बाद जहां पर एक बार ये स्टॉक गिरा था कि शायद रिलायंस जियो अपने इंटरकनेक्टिविटी चार्जेस खत्म कर रहा है, उसका नुकसान होगा, लेकिन बाद में पता चला कि आइडिया के लिए ये अच्छी फायदे की बात होगी और ये एक बड़ी आइडिया के लिए काम की चीज़ हो सकती है। आज अभी थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो आप रख कर चले ही, जो आपको दिए हैं हमने 15, 17 और 25 रुपए के। शॉर्ट टर्म के टारगेट जो 12, 12.5 के हैं, मुझे लगता है वो अगले हफ्ते में आने को तैयार है। तो आइडिया यहाँ से भी मजबूत दौड़ लगाने को तैयार है। 12 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे के टारगेट आप अगले हफ्ते के लिए लेकर चले, 10.5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले आज के लोज के थोड़ा सा नीचे। मुझे लगता है इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने की तैयारी में और उस स्टॉक में बढ़िया एक्शन आने की तैयारी में। तो आइडिया आपके लिए एक बढ़िया स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म में भी आपको दे सकता है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है, अगर कल एंट्री की है, आप आराम से रखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पोजिशनल भी रखिए, शॉर्ट टर्म भी रखिए, लॉन्ग टर्म भी रखिए, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है उस तरह से रखिए। क्वांटिटी उतनी रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि छोटा स्टॉक है, आप आराम से कैश में खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े लॉट आपको वायदा कारोबार में खरीदने हो, आराम से कैश में भी ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी ये स्टॉक आगे बड़े एक्शन के लिए तैयार होता दिख रहा है। तो आइडिया है मेरी पसंद, और मेरी पसंद आइडिया है तो ये पसंद है हमारे बंसल जी की भी, तो बंसल जी से भी एक राय ले ली जाए चार्ट पर। बंसल जी, कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं, अब तो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। और दूसरा, विश्वेश को भी काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक, मुझे तो पहले से अच्छा लग रहा है अनिल जी, क्लियर ब्रेकआउट है। और यहाँ पे जो आपके बड़े वाले टारगेट्स हैं वो भी 2021 में देखने को मिलेंगे, तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें। कल अनिल जी आपको ध्यान हो तो जो छोटा स्टॉप लॉस मैंने दिया था इसके अंदर, जो छोटा स्टॉप लॉस दिया था वो 10 रुपए का दिया था, और अब अगर किसी को और छोटा चाहिए तो 10 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा ले। बट स्टॉक क्लियरली जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक रीरेटिंग की कगार पर है। ओके, तो यह है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। ट्रेड के लिहाज से अच्छा लग रहा है, पोजिशनल पिक के हिसाब से अच्छा लग रहा है, और एक मल्टी बैगर आइडिया के हिसाब से देखें तो भी अच्छा लग रहा है। सेटी साहब, वोडाफोन आइडिया आपको भी पसंद है, क्या राय देंगे सर? नहीं बिल्कुल, एक तो अनिल जी को एक बधाई देनी है, कल मैं उनको सुन रहा था, बहुत ही हिम्मत करके उन्होंने एक लो रिस्क और हाई रिटर्न वाला ट्रेड के रूप में वोडाफोन आइडिया को रिकमेंड करा, और उस लेवल से मुझे लगता है ऑलरेडी 10% के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। बट अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट इस स्टॉक में, इस कंपनी में आने वाले दिनों में होंगे, और ये डेफिनेटली हाई रिटर्न यहां से देगा। तो इस स्टॉक में उनके बोलने पे जिन्होंने खरीदारी की है उनसे बने रहने की सलाह रहेगी, और कम से कम 15 रुपए का वेट करें बिफोर, इवन ट्रेडर्स को भी 15 रुपए का वेट करना चाहिए बिफोर एग्जिटिंग आउट ऑफ द स्टॉक। चलिए, तो सेठी साहब का भी कन्विक्शन है यहाँ पर, अनिल जी ने आपको राय दी है, बंसल साहब को लंबे समय से पसंद है, भसीन साहब ने भी इसके बारे में बात किया था, विश्वेश जी और सेठी साहब भी आपको सपोर्ट करें, तो वोडाफोन आइडिया नजर रखिए इस काउंटर पर। जल्दी चलते हैं अनिल जी के पास वापस स्ट्रैटेजी के लिए। सर, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है लास्ट अपडेट से, क्योंकि कुछ ट्रेड ही नहीं हो रहा है, पर बताएं क्या करके जाना चाहिए क्लोजिंग से पहले सर? दी पोजीशन को होल्ड करें, सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं निफ्टी पर, और वो एक अच्छा ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग है, और सीरीज के पहले दिन है, तो पोजीशंस और वॉल्यूम्स भी ऐसा नहीं कि कम है, तो अच्छी क्लोजिंग के साथ हम जा रहे हैं। आपकी रिस्क क्या है वो जान लीजिए, 13,875 13,935 मजबूत सपोर्ट जोन है कल के लिए, उससे पहले 13,980
ये एक और सपोर्ट है। तो पहली चीज तो एक आपको स्टॉप लॉस 13,980 13,975 के नीचे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पड़ी तो भी 13,875 13,935 लाइफ टाइम हाई पर आप हैं, 125-150 पॉइंट की रिस्क तो आप रखेंगे, यानी कि 1% की, 1% की रिस्क पर अगर आपकी निफ्टी की लॉन्ग पोजिशन कैरी होती है तो बिल्कुल करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आपको मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में भी यही कह रहा था कि मुझे तेजी करने का कॉन्फिडेंस निफ्टी में, भले ही वहां से 20-25 पॉइंट नीचे आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15-20 पॉइंट तो हमेशा निफ्टी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और यहां पर अगर आप तेजी की पोजीशन लेकर जाते हैं 14,000 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, और ऊपर 14,200 का कॉल ऑप्शन बेचकर आप उसे हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर पोजीशन आपकी पहले की पड़ी है तो उसे आप अपने हिसाब से हेज करके चलें, नई पोजीशन बैंक निफ्टी में आज ना बनाएं, सोमवार को देखेंगे। निफ्टी में नई पोजीशन भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और चाहें तो सोमवार को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेजी की पोजीशन है तो उसे होल्ड करिए, बेचिए मत। जी दीप, बिल्कुल जी, तेजी की पोजीशन है, होल्ड करेंगे, कन्विक्शन है बाजार पर, मोमेंटम बरकरार रहेगा। चलिए अब चलते हैं जय के पास उनके कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। दीपांशु नो, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैंने अनिल जी को जस्ट सुना, और यू नो निफ्टी डेफिनेटली यू नो बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट 14,000 का कॉल ऑप्शन जो हमने कल रिकमेंड किया था और आज भी रिकमेंड किया, वो अभी भी ओपन है और वो वहीं का वहीं है। इनफैक्ट आप रेंज भी देखेंगे आप आज की तो कॉल ऑप्शन की, तो बहुत ही छोटी रेंज है, 115-135 लगभग ये रेंज रही है। सो उसी के साथ बने रह सकते हैं यू नो निफ्टी में। बट देन मेरा एक रिकमेंडेशन अभी है वो स्टॉक साइड पर जो मैं देना चाहूँगा कैश के ऑप्शन में, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर। इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, 180 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीपांशु ये लेकर चलना है, 9.80 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सो M&M फाइनेंस का 180 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदिए। क्लियरली डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जो है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है, लगभग 5 दिन का कंसोलिडेशन, उसमें से ब्रेकआउट देखने मिल रहा है दीपांशु M&M फाइनेंस में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें लगभग 190 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, 190 फिफ्थ वेव उसका स्टार्ट हो चुका है वीकली चार्ट्स पर। तो 190 मतलब करीब करीब 12 रुपये स्पॉट में हमें अपसाइड देखने मिलेगी। ये स्टॉक में नीचे में स्टॉप लॉस आप लगाइए करीब 6.50 रुपये पे। सो आपका स्टॉप लॉस दीपांशु ज़्यादा नहीं, बट मैं कहूँगा कि लगभग 3.30 रुपये का रहेगा। ऊपर में पहला जो टारगेट बनेगा वो रहेगा 15 रुपये का, सेकेंड टारगेट 17 का, 15 एंड 17, ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चल सकते हैं। फिफ्थ वेव ये स्टार्ट हुआ है, ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट है। ओके, तो M&M फाइनेंस 180 कॉल खरीदिए, ये है जय की राय। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, BTST के तौर पे इसको लेके जाए। ये स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया कैंडल फॉर्म हो रही है, बैंकिंग स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। J&K बैंक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आज फॉर्म हो रही है, 38 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव नेक्स्ट वीक में दिखाएगा। यहां पे 24.30 रुपये के आसपास खरीदारी बनती है, 22.80 रुपये का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 26 रुपये से लेके 28 रुपये तक के टारगेट J&K बैंक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो जिन्होंने भी स्टॉक के अंदर बाय करके रखा हुआ है वो होल्ड करें, अगले हफ्ते ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें, 22.80 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 26 रुपये से लेके 28 रुपये तक के टारगेट J&K बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो J&K बैंक पार्टिसिपेशन की कमी नहीं है जहां तक बैंक्स और फाइनेंशियल्स का भाग है। हालांकि आप एक्शन नहीं देख रहे हैं जहां तक इंडेक्स का सवाल है, पर जैसे कि अनिल जी बोल रहे थे PSU बैंक्स यहां पर नजर रखिए और वहां पर जबरदस्त तेजी आई है। NBFCs वहां पर जबरदस्त तेजी आई है और आज का दिन फाइनेंशियल्स की तरफ ही रहा है। निफ्टी PSU बैंक पर नजर रखिए, जबरदस्त तेजी इस हफ्ते भी दिखा चुका है, लगभग 3.5% का उछाल इस हफ्ते भी आपने निफ्टी PSU इंडेक्स पर देखा है। आइए क्लोजिंग की तरफ पर बढ़ते हैं। साल का पहला दिन और दमदार एक्शन होते हुए दिखा है, नए रिकॉर्ड आपको दिखे हैं निफ्टी पर, नए रिकॉर्ड सेंसेक्स पर आते हुए दिखे हैं, निफ्टी बैंक पर
में भरपूर एक्शन रहा, थोड़ी एंड में मुनाफा वसूली रही। टॉप गेनर अदानी पोर्ट 4.5% बल्कि 5% की तेजी के साथ। TCS अब से एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद इनके आएंगे नतीजे और साथ ही इंटरिम डिविडेंड पर भी डिसीजन आएगा, 2.5% की तेजी। ITC यहां पर 2.5% का उछाल। इन दोनों दिग्गजों ने निफ्टी को आज संभाला है, अच्छा एक्शन वहां पर आते हुए दिखा। टाटा मोटर्स दमदार ऑटो सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं। टाटा मोटर्स, मारुति, आयशर, बजाज ऑटो, इन सभी स्टॉक्स में हमने अच्छी खरीदारी देखी है। सिप्ला यहां पर भी थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखा। डॉक्टर रेड्डीज में भी आपने खरीदारी का माहौल देखा। टाटा स्टील और JSW स्टील ये भी एक्शन में रहे। मुनाफा वसूली आई कुछ दिग्गज बैंक्स से, इसलिए आपने बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव देखा है। ICICI बैंक, HDFC बैंक टॉप लूजर रहे आपके। SBI लाइफ पर थोड़ा प्रेशर था। बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प यहां पर भी थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी और HUL एकदम सपाट क्लोज कर रहा है। तो 12 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज कर देते हुए पहले दिन और 38 स्टॉक्स पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। वायदा कारोबार के लिहाज से देखें तो BHEL आज का टॉप गेनर रहा और उससे ज्यादा दूर नहीं था BEL, हाई बीटा इज बैक। अनिल जी पूरे हफ्ते आपको बता ही रहे थे नजर रखनी है BHEL, BEL, चोला इन्वेस्टमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैन से अब बाहर है PNB, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स पर बढ़िया उछाल आया। पीरामल एंटरप्राइजेस, अशोक लेलैंड यहां पर भी अच्छा एक्शन दिखा। डॉक्टर लाल, आरती इंडस्ट्रीज और HDFC AMC, इन तीनों स्टॉक्स का आज पहला दिन था इंडेक्स में और जबरदस्त एक्शन यहां पर भी आते हुए दिखा। HDFC AMC 3.5% ऊपर रहा। डॉक्टर लाल पाथला में तो आपने 4.5% की तेजी बनते हुए देखी है। इसके अलावा भारत फोर्ज यहां पर अच्छा एक्शन दिखा। SRF जिसके बारे में सिमी जी बात कर रही थी 2.5% ऊपर। टाटा पार, एस्कॉट्स दमदार यहां पर ऑटो बिक्री आंकड़े आते हुए दिखे। टाटा कंज्यूमर, मैक्स फाइनेंशियल, सीमेंस बड़ा ब्रेकआउट, यहां पर पेज इंडस्ट्रीज और इंडस टावर्स कुछ और विनर्स थे आज के ट्रेड में। गिरावट आई आपके लिए हिंडालको पर, हैवल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, मदरसन सुमी और साथ ही वेदांता जहां पर प्रेशर आते हुए दिखा, पर ज्यादा गिरावट नहीं थी। टॉप लूजर 1% ही नीचे था वायदा कारोबार में। तो अनिल जी दमदार शुरुआत साल के पहले ट्रेडिंग सेशन, रिकॉर्ड हाई और पहली बार निफ्टी पर सर रिकॉर्ड क्लोजिंग 14,000 के ऊपर की, तो अच्छी शुरुआत नए साल की सर। बिल्कुल, इससे बेहतर शुरुआत की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं और आशा नहीं कर सकते, उससे बढ़िया शुरुआत होती हुई दिखी है। और नए साल की शुरुआत मार्केट्स के लिए तो बेहतर रही है, मार्केट के बाद भी बहुत कुछ एक्शन है आपके लिए, मस्ती की पाठशाला आ रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ और स्पेशल शोज बता दूँ। 5:30 बजे आपके लिए शो होगा नया साल गोल्ड करेगा माला माल। लगातार 2 साल तक बढ़िया तेजी के बाद क्या गोल्ड में 2021 में भी तेजी जारी रहेगी, जानिए, देखिए ये शो 5:26 पर। शाम को 6 बजे वैक्सीन पर हमारा खास शो, हैप्पी वैक्सीन ईयर, दवाई भी कड़ाई भी। जी हाँ, जिसका पूरा इंतजार देश को है वो घड़ी आ गई है। नए साल पर आज देश को कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी कोरोना वैक्सीन पर आज इमरजेंसी अप्रूवल पर विचार कर सकती है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, फाइजर अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांग रही है। कौन सी वैक्सीन इस रेस में बाजी मारेगी, किसका पलड़ा भारी है, ये सब बताएंगे। साथ ही बताएंगे ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये वैक्सीन आप तक कब और कैसे पहुंचेगी और कैसे लगाई जाएगी। बात करने के लिए 2 खास मेहमान, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर और साथ ही डॉक्टर शशांक जोशी। आप भी अपनी राय, विचार, सुझाव, सवाल भेज सकते हैं। आपकी खबर आपका फायदा, इस हैशटैग का इस्तेमाल करें। शाम 6:30 बजे न्यू ईयर स्पेशल शो है। आप सब लोग मुझे स्टॉक्स पूछते हैं और दिन भर हम स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक हमारे दर्शकों का खास ऐसा तबका है जो चाहता है कि मैं उन्हें फंड्स के बारे में भी बताऊं। तो इस नए साल में अगर आप म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करना चाहते हैं, नए फंड्स की तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे बेहतरीन फंड जो मुझे पसंद है, जिन पर आप विचार कर सकते हैं अपनी जरूरत और निवेश के लक्ष्यों के मुताबिक। तो शाम 6:30 बजे देखिएगा मेरे फेवरेट फंड पर ये शो, आप जरूर देख सकते हैं। और रात 8:30 बजे नए साल में निवेश के नए तरीके, इस पर होगा ये खास शो। अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं नए साल में, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आपको कुछ बदलाव करने होंगे। कौन से होंगे ये बदलाव, कौन से होंगे वो तरीके, इस पर देखिएगा जीरो इक्विटी पोर्टफोलियो और व्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ये बताएंगे आपको हम शाम 8:30 बजे। मिस मत कीजिएगा, और मिस मत कीजिएगा अपना फेवरेट शो, और वो है मस्ती की पाठशाला। हमारे सारे एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट्स के साथ हमारी सिमी जी भी तैयार है। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का, जब तक सारे लोग सेटल हो, सेटल होने के बाद आपके लिए मस्ती की पाठशाला की करते हैं शुरुआत।